Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to start with the chapter number 1 of class 8 civics and the chapter's name is the Indian Constitution. तो इस पूरी बुक में हम और ज्यादा डिटेल में अपनी सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, जैसा कि बुक का नाम ही है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। तो इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि हमारी जो सोसाइटी है उसमें किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, किस तरीके से यहाँ पे लीडर्स को चुना जाता है और किस तरीके से वो लीडर्स काम करते हैं। या पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ोगे जो रूल्स एंड रेगुलेशन वाली जो चीजें हैं कि हमारी सोसाइटी में किस तरीके से रूल्स रेगुलेशंस ये सब बनते हैं, वो आप इस कॉन्स्टिट्यूशन वाली यूनिट में पढ़ोगे। फिर आप देखोगे कि अगर हमारी सोसाइटी में कोई कुछ गलत काम कर देता है तो उसको सजा कैसे दी जाती है, ये आप जो जुडिशरी वाली यूनिट है उसमें पढ़ोगे। फिर हम इसी तरीके से बहुत सारी चीजें जो है अपनी सोसाइटी के और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, किस लिए वो लिखा गया, किस लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी सोसाइटी के लिए जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने अपनी हिस्ट्री का जो लास्ट चैप्टर था उसमें भी पढ़ा था। उसमें हमने जो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो गया, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी हो गया, अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने वाला काम, ये सभी चीजें जो है हमने उसमें डिस्कस की थी। अब हम और ज्यादा डिटेल में देखने वाले हैं कि आखिर ये चीजें जरूरी क्यों हैं, क्यों रूल्स रेगुलेशन जरूरी हैं, किस तरीके से लिखे गए, किसने लिखे, तो ये हम डिटेल में देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू बिगिन विद फुटबॉल, अ गेम मैनी ऑफ यू हैव प्रोबेबली हर्ड ऑफ और इवन प्लेड। तो ये जो चैप्टर की शुरुआत है ना, वो हम फुटबॉल गेम से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने ये गेम खेला भी हो, सुना तो डेफिनेटली होगा ही। एज द नेम सजेस्ट, दिस इज द गेम दैट इन्वॉल्व्स द प्लेयर्स फीट। अब जैसा कि जो गेम है उसका नाम है फुटबॉल, मतलब कि ये कोई ऐसा गेम है जिसमें बॉल का इस्तेमाल होता है और पैर का इस्तेमाल होता है, फुट का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ फुटबॉल, इफ द बॉल टचेस द आर्म ऑफ एनी प्लेयर एक्सेप्ट द गोलकीपर, देन दिस इज कंसिडर्ड अ फाउल। और इस फुटबॉल गेम में क्या रूल होता है कि अगर किसी भी प्लेयर के हाथ से बॉल टच हो जाती है गोलकीपर को छोड़ के, कि जो गोलकीपर है हाँ वो हाथ जो है लगा सकता है बॉल को, बट गोलकीपर के अलावा अगर कोई और जो प्लेयर है वो बॉल को हाथ से टच कर देता है तो उसको एक फाउल माना जाएगा, उसको गलत माना जाएगा। सो इफ प्लेयर स्टार्ट होल्डिंग द फुटबॉल इन देयर हैंड्स एंड पासिंग इट अराउंड, देन दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल एनी मोर। इसका मतलब कि अगर जो मान लो पहले जो है प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, वो फुटबॉल खेल रहे थे, पहले पैर से बॉल मार मार के खेल रहे थे, बट फिर क्या हुआ, उन लोगों ने बॉल हाथ में उठा ली और हाथ से पास कर रहे हैं बॉल को। एक पर्सन जो है वो दूसरे को हाथ से पास कर रहा है, फिर दूसरा उसे हाथ से कैच कर रहा है। अगर फुटबॉल के प्लेयर्स ऐसा करने लग जाए तो फिर वो फुटबॉल खेल ही नहीं रहे हैं, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल का तो मतलब ही ये है कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने पैर का इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी जो है हाथ नहीं लगाएगा बॉल को, तभी वो फुटबॉल होगा। बट अगर आप फुटबॉल जो है उसको हाथ में लेके खेलने लगो, हाथ से पास कर रहे हो, तो फिर आप फुटबॉल खेल ही नहीं रहे हो। सिमिलरली अदर गेम्स सच एज हॉकी और क्रिकेट ऑल्सो हैव रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे आर प्लेड। तो ये जो हमने चीज पढ़ी कि फुटबॉल में, फुटबॉल खेलते समय आपको सिर्फ पैर का इस्तेमाल करना है, हाथ का नहीं करना, हाथ का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ गोलकीपर कर सकता है। तो ये क्या, ये एक रूल है उस गेम को खेलने के लिए। तो हमें क्या होता है कि जो भी हम गेम वगैरह खेलते हैं उसमें हमने देखा है कि हर तरीके के रूल्स होते हैं, कि जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें कैसे रूल है, जैसे चार कब लगेगा, मतलब चौका कब लगेगा, छक्का कब लगेगा, अगर बॉल टिप करके जाएगी बाउंड्री को पार करेगी तो फोर है, अगर बॉल हवा में मतलब वैसे बाउंड्री को क्रॉस करेगी तो वो सिक्स है, किस तरीके से वाइड बॉल होगी, कब नो बॉल होगा, इस तरीके से बहुत सारे रूल्स हैं और ऐसा हर गेम में होता है। तो अगर हम ये जो रूल्स हैं ये गेम्स में से हटा दें तो गेम गेम ही नहीं रहेगा। मतलब कि मान लो आप कह रहे हो जी फुटबॉल खेलना है और उसमें कोई रूल ही नहीं है, आप पैर से खेलो, हाथ से खेलो, जैसे मर्जी खेलना है वैसे खेलो, तो क्या वो फुटबॉल रह जाएगा? इन रूल्स की वजह से ही एक गेम दूसरे गेम से अलग हो पाता है। जैसे कि फुटबॉल अलग गेम है और हैंडबॉल अलग गेम है, हैंडबॉल और फुटबॉल जो है दोनों ही बहुत ही अलग अलग गेम्स हैं, है ना, बॉल का इस्तेमाल हो रहा है बट फुटबॉल में पैर का इस्तेमाल करके बॉल से खेला जा रहा है और हैंडबॉल में हाथ का इस्तेमाल करके बॉल से खेला जा रहा है। तो इस तरीके से इन रूल्स के बेसिस पे ही एक गेम जो है वो दूसरे गेम से अलग होता है, इन रूल्स के बेसिस पे ही हम किसी गेम को डिफाइन कर पाते हैं। As these are fundamental to the game, we can also call them the constitutive rules of the game. अब क्योंकि ये जो रूल्स हैं वही एक गेम को गेम बना रही हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो रूल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, मतलब कि
उस गेम को कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, बना रहे हैं। किसी गेम को गेम क्या बनाते हैं? उस गेम में यूज होने वाले रूल्स, उस पर लागू होने वाले रूल्स, वो रूल्स ही किसी गेम को गेम बनाते हैं। तो इसलिए हम इन रूल्स को कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम भी कह सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं गेम को, बना रहे हैं। लाइक दीज गेम्स अ सोसाइटी ऑल्सो हैज अ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स दैट मेक इट व्हाट इट इज एंड डिफरेंशिएट इट फ्रॉम अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज। अब हर एक गेम की ही तरह सोसाइटीज जो हैं उनमें भी रूल्स होते हैं, और एक सोसाइटी के जो रूल्स हैं वो दूसरी सोसाइटी को उससे अलग करते हैं। मतलब एक तरह के सोसाइटी में जिस तरीके के लोग रह रहे हैं, जिस तरीके का कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं, उसके बेसिस पे अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वहीं दूसरे सोसाइटी में अलग तरीके के होंगे। सोसाइटी आपकी, ये जो आप घर में रहते हो बिल्डिंग्स वगैरह वाली सोसाइटी नहीं, सोसाइटी इन जनरल, ठीक है। मतलब जैसे एक देश में रहने वाले लोग को हम एक सोसाइटी कह रहे हैं, ठीक है। मान लो जो इंडियन लोग हैं, इंडियन सोसाइटी जो है उसके अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वहां पे अलग तरीके के कानून चलते हैं। वहीं पे हम अमेरिका वगैरह में देखें तो वहां की सोसाइटी अलग है, वहां के लोग अलग है, वहां का कल्चर अलग है, और वहां के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनके लोगों के हिसाब से हैं। तो इसी तरीके से इन रूल्स और रेगुलेशंस के बेसिस पे हम कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी इज डिफरेंट फ्रॉम अमेरिकन सोसाइटी। तो गेम की ही तरह सोसाइटीज में भी रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो उस सोसाइटी को सोसाइटी बना रहे हैं और जो कि एक सोसाइटी को दूसरे से अलग कर रहे हैं। इन लार्ज सोसाइटीज इन विच डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल लिव टुगेदर दीज रूल्स आर फॉर्मुलेटेड थ्रू कंसेंसस एंड इन मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। तो जब बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज होती हैं, मतलब कि जब एक साथ बहुत बड़े मात्रा में लोग रहते हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, इंडिया में इतने ज्यादा लोग रह रहे हैं और इंडियन सोसाइटी के लिए हमने कोई रूल्स और रेगुलेशंस बनाने, तो इसमें क्या होता है कि जब हम बहुत ही बड़ी सोसाइटी के लिए और अलग अलग डिफरेंट कम्युनिटीज के लिए हम एक साथ मिलके कोई रूल बना रहे हैं, तो इस तरीके के रूल्स किससे बनते हैं? कॉन्सेंसस से बनते हैं, मतलब कि सहमति से बनते हैं, आपसी सहमति से, कि सब जो हैं एक तरीके से किसी चीज पे एक साथ मिलके एग्री हो रहे हैं कि ठीक है हम सब मिलके ये चीज फॉलो करेंगे। और मॉडर्न कंट्रीज दिस कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म। तो हम बात करें मॉडर्न कंट्रीज, मतलब आजकल के जमाने में या जो आधुनिक कंट्रीज हो गई, उनमें हमें नॉर्मली क्या देखने मिलेगा कि ये जो कंसेंसस है, जो ये सहमति बनी है लोगों के बीच में कि हाँ हम ये चीजें फॉलो करेंगे, इस तरीके के कानून होंगे, इस तरीके के रूल्स रेगुलेशंस होंगे, इस चीज को लिखा जाता है, रिटन फॉर्म में किया जाता है, ताकि आगे फ्यूचर में अगर किसी को कंफ्यूजन हो कि भाई हमने क्या डिसाइड किया था, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाएगी तो हमें किस तरीके के स्टेप्स लेने हैं, तो इसको आराम से कोई जो अगर रिटन फॉर्म होगी तो उसको रेफर कर सकते हैं, कहीं पे लिखा होगा तो कभी डाउट नहीं होगा फ्यूचर में कि अगर ऐसा करना है तो हमें पता है कि हमें इस रिटन डॉक्यूमेंट को ही रेफर करना है, इसमें सब कुछ लिखा है। अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो डॉक्यूमेंट है जिसमें कि लोगों ने कंसेंसस जो है लाया है, सहमति से रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, इस पूरे डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? रिटन डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। We have looked at the Indian Constitution in classes 6th and 7th in our social and political life textbook. So, हमने जो हमने class 6th और 7th की civics पढ़ी है, उसमें भी हमने Constitution के बारे में पढ़ा था. Have you ever wondered why we need a Constitution or been curious about how the Constitution got written or who wrote it? तो क्या कभी आपने सोचा है कि हम Constitution की तो बात करते हैं, कि जैसे आपने news channels वगैरह में आपने debates वगैरह देखे होंगे, तो वो लोग बड़ा ही कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करते हैं अपनी बात को रखने के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें अधिकार देता है, कॉन्स्टिट्यूशन के इस आर्टिकल में हमें ये दिया, अधिकार दिया हुआ है, इस तरीके से वो कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो जरूरी क्यों है और किस तरीके से ये लिखा गया या किसने लिखा? हो सकता है इस तरीके के सवाल आपके दिमाग में आए हों। तो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस बोथ दीज इशू एंड ऑल्सो लुक एट द की फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि जो इंडियन कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है, सिर्फ इंडियन नहीं, किसी भी सोसाइटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों जरूरी है, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से लिखा गया और किसने लिखा, ये चीज हम इस चैप्टर में देखेंगे। और इसके साथ साथ हम कुछ फीचर्स भी डिस्कस करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, और ये जो फीचर्स होंगे वो आप अपने आने वाले चैप्टर्स में भी एज फुल चैप्टर और टॉपिक्स की तरह और डिटेल में पढ़ोगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, आखिरकार किसी भी सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इतना जरूरी क्यों है। Why does a country need a constitution? आखिरकार किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है? तो लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि भाई आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन मोटे मोटे तौर पे कहें तो ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें ये लिखा जाता है कि एक सोसाइटी
में किस तरीके के रूल्स फॉलो किए जाएंगे, किस तरीके से रेगुलेशंस होंगे, एक सोसाइटी किस तरीके से चलनी चाहिए, उसके बारे में जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वो सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं। जैसे किसी गेम के रूल्स होते हैं, हमने फुटबॉल का एग्जाम्पल लिया था कि फुटबॉल में किस तरीके से अलग अलग रूल्स होते हैं। सबसे मेन तो यही है कि अगर आप फुटबॉल खेल रहे हो तो यू कैन नॉट यूज योर हैंड वाइल प्लेइंग अ फुटबॉल गेम, ठीक है। तो अगर आप फुटबॉल का खेल खेल रहे हो तो आप उसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि ये कुछ रूल्स हैं जो कि किसी गेम को गेम बनाते हैं। और एक गेम की ही तरह अलग अलग सोसाइटीज में भी रूल्स होते हैं जो कि उस सोसाइटी को वो सोसाइटी बनाते हैं, मतलब कि एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से अलग करते हैं। उसका एक अलग फीचर जो है वो हमें कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है कि आखिरकार ये सोसाइटी है कैसी। तो इसके बारे में तो हमने जान लिया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट व्हिच कंटेन्स द रूल्स अबाउट अ सोसाइटी, राइट। तो अब हम देखते हैं कि आखिरकार ये जरूरी क्यों है। अगर एक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो उसे क्या क्या चीजें भुगतनी पड़ सकती हैं। आखिर अगर एक सोसाइटी है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन हम रख ही क्यों रहे हैं। अगर नहीं रखेंगे तो कुछ बिगड़ जाएगा क्या, क्या चीजें हो जाएंगी अगर हम नहीं रखेंगे, और क्या चीजों का फायदा रहेगा अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये सब चीजें हम देखेंगे इसमें। टुडे मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर हम आज की बात करें तो ज्यादातर कंट्रीज के पास अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है। व्हाइल ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर लाइकली टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज दैट हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन आर डेमोक्रेटिक। तो नॉर्मली हमें ये देखने मिलता है कि जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज है ना, उनका आमतौर पे है, उनका कॉन्स्टिट्यूशन उनके पास है, उन्होंने बना रखा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी कंट्रीज उनके पास कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। नॉर्मली क्या देखने मिलता है कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज का कॉन्स्टिट्यूशन है, बट इसका मतलब हम ये नहीं मान लेंगे कि हर वो कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक है, ठीक है। ये चीज को ध्यान से समझना है कि जरूरी नहीं हर वो कंट्री जिसके पास अपना कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक ही हो। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, हमने क्लास 7th में पढ़ा है, 6th में पढ़ा है, जब आप छोटे छोटे बच्चे हुआ करते थे तब आपने याद किया होगा, फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, जो लोगों की होती है, लोगों के द्वारा बनती है। डेमोक्रेसी का मतलब है कि लोग, लोगों के पास अल्टीमेट पावर है, लोग ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं आगे, लोग ही अपने लिए डिसीजंस ले रहे हैं, सारे मिलके क्या कर रहे हैं, अपने लिए ही डिसीजन ले रहे हैं, खुद ही जाके डिसीजन ले रहे हैं। इस तरीके से लोगों का जो हम मोटे मोटे तौर पे कहें तो पब्लिक, मतलब कि जो लोग हैं, पीपल हैं, उनके पास अल्टीमेट पावर रहती है डेमोक्रेसी। तो जरूरी नहीं है कि हर वो कंट्री जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो वो डेमोक्रेटिक हो, मतलब जनता के पास पावर हो। हो सकता है कि कोई ऐसी कंट्री हो जो ऑटोक्रेसी वाली हो, मतलब जहां पे राजा वाला रूल चल रहा हो, जैसे तानाशाह वाला रूल चल रहा हो, और उसके पास भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन हो, ठीक है। तो ये कंडीशन भी देखने मिल सकती है। द कॉन्स्टिट्यूशन सर्व्स सेवरल पर्पसेस। तो कॉन्स्टिट्यूशन होने के ना कई फायदे हैं। पहले बात करें, इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ कंट्री दैट वी एज सिटीजंस एस्पायर टू लिव इन। सबसे पहले तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडियल्स को सेट करता है, मतलब एक तरीके से एक बेस बनाता है कि हम सिटीजन्स होने के नाते किस तरीके की सोसाइटी में, किस तरीके की कंट्री में रहना चाहते हैं, ठीक है। मतलब जैसे आपका परिवार जो है वो साथ बैठा और उन्होंने सोचा कि भई हम एक नया घर बना रहे हैं, तो किस तरीके का हमारा घर होना चाहिए, किस तरीके का वो दिखेगा, है ना, किस तरीके के उसके कलर होंगे, किस तरीके, कितने उसमें रूम होंगे, किस तरीके से आप डिस्कस करते हो कि भाई हमारा घर कैसा होना चाहिए, है ना। इसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि हम एज सिटीजन्स किस तरीके के देश में रहना चाहते हैं, हमारा देश दिखेगा कैसे, क्या क्या उनके फीचर्स होंगे उस देश के, राइट। और पुट अनदर वे, अ कॉन्स्टिट्यूशन टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आर सोसाइटी इज। और दूसरे तरीके से बोलें तो एक कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये बताता है कि एक सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर क्या है, मतलब कि ये सोसाइटी किस तरीके की है, इस सोसाइटी के क्या क्या फीचर है। जैसे अगर आप बहुत ही नॉर्मल बेसिक एग्जाम्पल लूँ, का कॉन्स्टिट्यूशन से उतना नहीं है रिलेशन, बट हाँ आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा कि फंडामेंटल नेचर का मतलब क्या है। मान लो जैसे इंडिया है, अब इंडिया में क्या होता है कि कल्चर है कि हमारी जो पूरी फैमिलीज हैं वो एक साथ रहती हैं, मतलब कि पूरे फैमिली मेंबर्स एक साथ मिलके रहते हैं, बच्चे बड़े होने तक भी अपने मम्मी पापा के ही साथ रहते हैं, मतलब अपने मम्मी पापा के साथ उनकी देखभाल करते हैं, उनके साथ रहते हैं। वहीं अगर हम दूसरे देश में देखें, अमेरिका वगैरह में, तो वहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, वहाँ पे फैमिली मेंबर्स जो है इतना साथ में नहीं रहते,
जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं वो फिर बाहर चले जाते हैं, वो अपने आप अपना खाना कमाना वो देखने लगते हैं। तो हम कहें इंडियन सोसाइटी कैसी है, तो हमें देखने मिलेगा कि यहाँ पे लोग साथ में ज्यादा रहते हैं, फैमिली साथ में रहती है। वहीं हम अमेरिकन सोसाइटी देखें तो उसकी क्या इमेज बनती है दिमाग में, कि नहीं वहां पे लोग साथ में इतना नहीं रहते, वहां लोग अलग अलग रहते हैं। तो इस तरीके से सोसाइटी का नेचर पता चल रहा है हमें। सोसाइटी के, इंडियन सोसाइटी के बारे में सोचो तो क्या इमेज बन रही है, क्या फीचर्स हमें उभर के आ रहे हैं कि अच्छा इंडियन सोसाइटी ऐसी है और अमेरिकन ऐसी है। तो इस तरीके से ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बताता है कि कोई सोसाइटी कैसी है। अ कंट्री इज यूजुअली मेड अप ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ पीपल हु शेयर सर्टेन बिलीफ्स बट मे नॉट नेसेसरीली एग्री ऑन ऑल इश्यूज। तो एक कंट्री नॉर्मली क्या होता है कि अलग अलग कम्युनिटीज से मिलकर बनती है, ऐसा हमें बहुत ही कम देखने मिलेगा। वैसे होता है कि मतलब प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि किसी एक कंट्री में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह के लोग हैं, ऐसा नहीं होता। अरे और भी चीजें छोड़ो, धर्म छोड़ दो, जाति वगैरह छोड़ दो, मेल और फीमेल तो रहेंगे, ये डिफरेंस तो रहेगा ही, बच्चे बूढ़े तो रहेंगे, ये डिफरेंस तो रहेगा ही। मतलब कि कोई भी जो देश है उसमें अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के लोगों से मिलकर कोई भी देश बनता है, ठीक है। अब वो अलग अलग तरीके के लोग हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हम देखें तो हो सकता है एक देश में बहुत सारे रिलीजन हो, रेस के बेसिस पे अलग हो सकता है, लोगों में जो कलर होता है वो अलग होगा, और उसके बेसिस पे भी हमें सोसाइटी में बहुत सारी टेंशन देखने मिलती हैं। इस तरीके से एक सोसाइटी में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, है ना। कोई किसी कल्चर का है, कोई किसी चीज को प्रेफर करता है, किसी की सोच अलग है, इस तरीके से अलग अलग लोग होते हैं, और जिनके कुछ सर्टेन बिलीव्स होते हैं, कुछ चीजों पे वो कुछ चीजों को वो मानते हैं, सारे मिलके मानते हैं। बट जरूरी नहीं है कि एक देश में रहने वाले लोग हर चीज पे एक साथ सहमत हों, जरूरी नहीं है, क्योंकि वो अलग अलग कम्युनिटीज के लोग हैं। कुछ बातों पे हो सकता है कि सब मिलके एकजुट होकर हमें हाँ मिलाएं कि हाँ ठीक है हम इस बात पे एग्री करते हैं, बट इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज नॉट नेसेसरी कि जो अलग अलग कम्युनिटीज हैं एक देश में रहने वाली वो हर बात पे जो है सहमत होंगी। बहुत सारे ऐसे इश्यूज होंगे जिसपे वो एग्री नहीं करेंगी एक दूसरे से। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वॉन्ट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। अब देखो अलग अलग जो है मत हैं लोगों की, लोगों की सोच में डिफरेंस है, कुछ इश्यूज पे लोग आपस में सहमति नहीं बना पा रहे हैं, तो इसके बीच में क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कुछ सेट ऑफ रूल स्टैब्लिश करता है कि भाई ये रूल्स और प्रिंसिपल्स वो स्टैब्लिश करता है जो कि सारे लोगों को फॉलो करने हैं। उन रूल्स एंड रेगुलेशंस पे सब लोग एग्री करते हैं, इस बात पे वो एग्री करते हैं कि हाँ हमारा जो देश होने वाला है वो इस तरीके से चलाया जाएगा, ठीक है। तो मतलब लोगों के बीच में मान लो मतभेद हो रहे थे, कुछ लोग कोई बात कह रहे थे, कुछ लोग कोई बात कह रहे थे, तो कुछ लोगों ने मिलकर क्या किया, एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की और कॉन्स्टिट्यूशन में उस चीज को लिख दिया कि भाई अगर ये इशू होगा तो इस इशू को इस पर्टिकुलर वे से सॉल्व किया जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अब लिख दिया गया है कि ये रूल है किसी भी काम को करने का, ठीक है। अब क्या होगा कि कोई भी जो पर्सन है इस देश में रहने वाला उसको वही सिस्टम फॉलो करना होगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई बात को मानना होगा। इससे क्या होगा कि जो टेंशन है कि भाई मैं तुमसे सहमत नहीं करता, मैं तुम्हारे खिलाफ हूं, या मेरे को तुम्हारी बात अच्छी नहीं लगी, इस चीज से हम बच सकते हैं। हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा इज्जत दे रहे हैं, सबसे ऊपर रखते हैं, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो भी कहता है हम उसको मानते हैं। तो इस वजह से क्या है कि जो डिफरेंसेस हैं हमारी ओपिनियंस में, इश्यूज जो आते हैं उसको सॉल्व किया जा सकता है कि ठीक है ना तेरी ना मेरी, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिख कह रहा है उसकी मानेंगे, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है कि किस तरीके से हमारा देश चलेगा, वो रूल्स वो प्रिंसिपल्स जो है वो सेट किए जाते हैं और इस पे लोग जो है वो एग्री करते हैं। दिस इंक्लूड्स नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बट ऑल्सो एन एग्रीमेंट ऑन सर्टेन आइडियल्स दैट दे ऑल बिलीव द कंट्री शुड अपहोल्ड। अब जो आइडियल्स प्रिंसिपल्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट से ही रिलेटेड नहीं होते कि एक देश में इस तरीके से सरकार चलने वाली है, ये बात तो लिखी होती है कॉन्स्टिट्यूशन में, बट इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं, जैसे कि कुछ आइडियल्स। आइडियल मतलब एक तरीके से कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ आइडियाज जिन्हें आप मानते हो कि सबसे वो सबसे परफेक्ट हैं, बेस्ट हैं, और उन्हें आप अचीव करना चाहते हो, ठीक है। तो यूं कहें सिद्धांत, तो
किस तरीके की गवर्नमेंट जो है हमारे देश में होने वाली है ये तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है, साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि किस तरीके के सिद्धांत हमारी जो कंट्री है वो फॉलो करेगी। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बताता है। सबसे पहले तो वो ये बताता है कि एक जो कंट्री है वो किस तरीके के होने वाली है, वो कंट्री का रूप किस तरीके का होगा। अगर कोई कंट्री के बारे में सोचेगा कि हाँ पर्टिकुलर कंट्री, तो उस कंट्री के बारे में सोचने से कुछ इमेज बननी चाहिए सोसाइटी की कि अच्छा इनके ये फीचर्स हैं, ये लोग बड़े ही प्यार से रहने वाले लोग हैं, ये मेहमान नवाजी बहुत अच्छी करते हैं। तो इस तरीके से कुछ फीचर्स जो हैं वो हमारी सोसाइटी के बनते हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन उन फीचर्स को बताता है। दूसरा क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कि अगर हमारे देश में अलग अलग कम्युनिटीज रह रही हैं और जाहिर सी बात है उन कम्युनिटीज के बीच में मतभेद होगा, तो उन मतभेदों के ऊपर एक तरीके से उसका सॉल्यूशन लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कुछ रूल्स कुछ प्रिंसिपल्स लिख देता है जो कि सबको मान्य होते हैं। और गवर्नमेंट बताने के साथ साथ कि किस तरीके की गवर्नमेंट चलेगी, उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आइडियाज सिद्धांत भी बताता है कि हाँ इस कंट्री के ये सिद्धांत है, इन पे ये फर्मली बिलीव करता है कि हमारा देश इस बात पे पूरी तरीके से मानता है, इन आइडियल्स पे वो बिलीव करता है। तो इस तरीके की चीजें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। तो जो भी अभी तक हमने पढ़ा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्या बताता है, इसको अब हम कुछ एग्जांपल्स के मदद से पढ़ेंगे। लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट वी मीन बाय दिस टू टू कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशंस इन द रीसेंट हिस्ट्री ऑफ नेपाल, अ कंट्री दैट बॉर्डर्स इंडिया ऑन द नॉर्थ। तो जो भी हमने पढ़ा उसको हम नेपाल जो कंट्री है उसके हिस्ट्री की मदद से पढ़ेंगे कि अभी हाल ही में, मतलब इतना भी पासी वाला टाइम नहीं है, बट हाँ कि नेपाल का एग्जाम्पल लेके हम ये चीज समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रोल प्ले करता है। तो जो नेपाल है, सबसे पहले तो इसमें लिखा है ना कि इंडिया के नॉर्दर्न जो बॉर्डर है वहां पे ये आता है। तो ये है हमारी प्यारी कंट्री इंडिया और नेपाल है यहाँ पे। तो नेपाल जो है इंडिया के साथ काफी बड़ा बॉर्डर जो है शेयर करता है, टच करता है, राइट। अंटिल रिसेंटली नेपाल वॉज अ मोनार्की। तो नेपाल जो है वो काफी लंबे समय तक एक मोनार्की रहा है। मोनार्की मतलब एक ऐसा देश जो कि राजा के द्वारा चलाया जा रहा है, जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, ठीक है। सारी पावर जो है किसके पास है, एक पर्सन के पास है जिसे हम राजा कह रहे हैं, मोनार्क कह रहे हैं। तो नेपाल में जो डेमोक्रेसी है वो काफी बाद में आई है, ठीक है। उससे पहले यहाँ पे राजा वाला जो सिस्टम है वो चलता था। द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल विच हैड बीन अडॉप्टेड इन 1990 रिफ्लेक्टेड द फैक्ट दैट द फाइनल अथॉरिटी रेस्टेड विद द किंग। तो अभी वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का, उससे पहले का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि 1990 में अडॉप्ट किया गया था, इस वाले कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ था कि जो फाइनल अथॉरिटी है, मतलब कि हाइएस्ट पावर जो है वो किसके पास है, किंग के पास है, राजा के पास है। कि मतलब अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो बात किसकी मानी जाएगी, राजा की मानी जाएगी। फाइनल अथॉरिटी है, जो राजा ने कह दिया दैट इज फाइनल। तो ऐसा उनका कॉन्स्टिट्यूशन कहता था। पीपल्स मूवमेंट इन नेपाल फॉट फॉर सेवरल डेकेड्स टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड इन 2006 दे फाइनली सक्सीडेड इन पुटिंग एन एंड टू द पावर्स ऑफ द किंग। तो नेपाल में पीपल्स मूवमेंट चली, मतलब कि लोगों ने आंदोलन किया काफी डेकेड्स तक, मतलब कि काफी दशकों तक उन लोगों ने लड़ाई लड़ी ताकि नेपाल में डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश किया जा सके, राजा का जो रूल है उसे खत्म किया जा सके। और लोगों की ये जो मेहनत है, लोगों का ये जो संघर्ष है, वो अल्टीमेटली रंग भी लाया। और 2006 में फाइनली क्या हुआ कि जो राजा है उसको गद्दी से हटा दिया गया और डेमोक्रेसी जो है वो एस्टैब्लिश कर दी गई। द पीपल हैड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश नेपाल एज अ डेमोक्रेसी। अब देखो पूरी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। पहले नेपाल क्या था, एक मोनार्क के द्वारा कंट्रोल करने वाली एक कंट्री थी, कि मतलब एक ऐसी कंट्री थी जिसमें राजा जो है वो देश को संभालेगा। तो पूरी सोसाइटी का नेचर है ये, मतलब कि नेपाल मतलब क्या, मोनार्की। बट अब क्या हुआ, ये जो सिस्टम है ये पूरा चेंज हो गया, एकदम उल्टा हो गया कि अब राजा रजवाड़े हट गए, कौन है अब डेमोक्रेसी, अब लोगों की जो है वो ताकत देश को चलाएगी। बट क्योंकि पूरा सिस्टम ही चेंज हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत थी। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, वो सोसाइटी को ही तो रिप्रेजेंट करता है, सोसाइटी के आइडियल्स को बताता है, उसकी फंडामेंटल नेचर को बताता है। और जब सोसाइटी का फंडामेंटल नेचर ही चेंज हो गया, वो मोनार्की से डेमोक्रेसी बन गई, तो अब क्या है, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत थी।
द रीजन दैट दे डिड नॉट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द प्रीवियस कॉन्स्टिट्यूशन इज बिकॉज इट डिड नॉट रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ द कंट्री दैट दे वॉन्ट नेपाल टू बी एंड दैट दे हैव फॉट फॉर। अब वो पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को ही अपनाना क्यों नहीं चाहते थे? क्यों ऐसा हुआ कि जब डेमोक्रेसी आई तो उसके बाद उन्होंने जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन उसको हटा के नया लिखने की कोशिश की, नया लिखा? तो वो रीजन तो मैंने बता ही दिया कि भाई सोसाइटी का नेचर ही चेंज हो गया। अब हुआ क्या कि वो कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए नया लिखना चाहते थे क्योंकि जो पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनके आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता ही नहीं है। जिस तरीके का वो नेपाल चाहते हैं, जिस तरीके की कंट्री वो नेपाल को देखना चाहते हैं, उस तरीके के फीचर्स पुराने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखे थे। वही कि जो सोसाइटी का नेचर है वो कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से नहीं बताता था पुराना वाला, इसीलिए जरूरी उन लोगों ने समझा कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की जरूरत है और वो जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे नए नेपाल को रिप्रेजेंट करेगा, हमारे आइडियल्स को रिप्रेजेंट करेगा कि हम नेपाल को कैसी कंट्री देखना चाहते हैं। जिस नेपाल के लिए, जिस तरीके की कंट्री के लिए उन लोगों ने लड़ाई लड़ी है, उस तरीके की कंट्री को रिप्रेजेंट करे वो नया कॉन्स्टिट्यूशन। तो दैट्स व्हाई दे डिसाइडेड टू राइट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। एज इन द गेम ऑफ फुटबॉल इन विच अ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स विल चेंज द गेम ऑल टुगेदर, नेपाल बाय मूविंग फ्रॉम अ मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नीड्स टू चेंज ऑल इट्स कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स इन ऑर्डर टू अशर इन अ न्यू सोसाइटी। तो ये वही बात है जो मैंने जस्ट अभी आपको बताई कि जैसे देखो एक गेम है, अगर हम गेम की रूल्स ही चेंज कर दें तो क्या वो गेम रह जाएगा? फुटबॉल का ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो फुटबॉल के रूल्स हमने चेंज करके कह दिया आप कि पहले फुटबॉल के रूल्स में ये था कि भाई सिर्फ पैर से खेलोगे, हाथ से नहीं खेल सकते तुम, बट अब रूल्स चेंज करके कह दिया कि तुम्हें हाथ से खेलना है, पैर से खेलना है, जिससे मर्जी खेलना है उससे खेलो। तो बताओ क्या वो फुटबॉल गेम रह जाएगा? नहीं ना, पूरा गेम ही बदल गया, एक नया ही गेम बन जाएगा वो, जिसमें हाथ भी यूज हो रहा है, पैर भी यूज हो रहा है, सब कुछ यूज हो रहा है, तो एक नया ही गेम बन जाएगा। इसी तरीके से नेपाल जो है वो मोनार्की से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गया था, इस वजह से उसके पूरे जो कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स हैं, जो फंडामेंटल्स हैं, वो ही बदल गए थे। और इसलिए क्या जरूरत थी कि नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए ताकि जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो नए कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स नई सोसाइटी को रिप्रेजेंट करे। दिस इज वाई द पीपल ऑफ नेपाल अडॉप्टेड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री इन 2015। और कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में टाइम लगता है भाई, वो डेमोक्रेसी तो 2006 में बन गई, 2015 में क्या हुआ, उन्होंने फिर अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया। द कैप्शन अलोंग साइड इलेबोरेट्स नेपाल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, द कंट्री ऑफ नेपाल हैज विटनेस्ड सेवरल पीपल स्ट्रगल फॉर डेमोक्रेसी। तो इस वाले जो छोटा सा सेक्शन है इसमें नेपाल ने किस तरीके से डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई लड़ी है उसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताया हुआ है। There was a people struggle in 1990 that established democracy that lasted for 12 years until 2002. So 1990 में भी एक people की movement चली थी, एक जन आंदोलन चला था, जिसमें क्या हुआ, लोगों ने democracy को establish किया था। जैसे 2006 में democracy को establish किया गया, ऐसे ही पहले नेपाल में democracy already establish हो चुकी थी 1990 में, but वो जो democracy वो सिर्फ और सिर्फ 12 साल तक ही चली, 1990 से 2002 तक ही चली, और फिर से मोनार्की आ गई। इन अक्टूबर 2002 किंग ज्ञानेंद्र साइटिंग द मेओइस्ट अपराइजिंग इन द कंट्री साइड एज हिज रीजन बिगेन टेकिंग ओवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विद द आर्मीज असिस्टेंस। तो 2002 के अक्टूबर में क्या हुआ, जो उनके राजा थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या बोला कि भाई जो मेओइस्ट वगैरह हैं उनकी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, उनका डर देश में जो है मंडरा रहा है, और इसीलिए इस तरीके का रीजन देते हुए, मेओइस्ट का रीजन देते हुए कि भाई मेओइस्ट जो हैं वो लोग देश में बढ़ रहे हैं, ऐसा बोलते हुए जो ज्ञानेंद्र हैं उन्होंने क्या किया कि जो गवर्नमेंट है उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स में, अलग अलग चीजों में वो पावर जमाने लग गए, कंट्रोल करने लग गए आर्मी की मदद से। द किंग देन फाइनली टुक ओवर एज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन फरवरी 2005। और फाइनली क्या हुआ, जो किंग है उन्होंने 2005 में सब कुछ हथिया लिया और वो गवर्नमेंट के हेड बन गए, मतलब फिर से राजा बन गए। इन नवंबर 2005 द मेओइस्ट जॉइंड अदर पॉलिटिकल पार्टीज टू साइन अ 12 पॉइंट एग्रीमेंट। और नवंबर में क्या हुआ 2005 के, कि जो मेओइस्ट वगैरह हैं उन्होंने दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हाथ मिला लिया और एक 12 पॉइंट्स का एग्रीमेंट लिखा। दिस एग्रीमेंट सिग्नल टू द लार्जर पब्लिक एंड इमिनेंट रिटर्न टू डेमोक्रेसी एंड पीस। और ये 12 पॉइंट्स में क्या लिखा था कि जो डेमोक्रेसी है वो वापस आनी चाहिए। इन 2006 द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी बिगन गेनिंग इमेंस फोर्स। और 2006
छह में क्या हुआ, जो लोगों की मूवमेंट है, लोगों का आंदोलन है डेमोक्रेसी के लिए, वो और ज्यादा पावरफुल होने लग गया। इट रिपीटेडली रिफ्यूज द स्मॉल कंसेशन दैट द किंग मेड एंड फाइनली इन अप्रैल 2006 द किंग रिजॉर्टेड द थर्ड पार्लियामेंट एंड आस्क्ड ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। तो जो किंग है वो लगातार छोटी मोटी जो है कंसेशन दे रहे थे कि ठीक है अरे डेमोक्रेसी रहने दो, हम तुम्हें ये चीजें दे देंगे, हम तुम्हें ये फायदे दे देंगे, बट किंग ही रहने दो, मतलब किंग सिस्टम ही रहने दो, तुम ज्यादा डेमोक्रेसी पे फोकस मत करो, इसके लिए आंदोलन मत करो, हम तुम्हें ये चीजें फायदे में देंगे। बट लोगों ने क्या किया, इन छोटे छोटे कंसेशन को, इन छोटे छोटे लालचों को ठुकरा दिया और फाइनली अप्रैल 2006 में वो जो किंग थे ज्ञानेंद्र, उन्होंने क्या बोला अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को कि तुम सब मिलके एक गवर्नमेंट बना लो। इन 2008 नेपाल बिकेम अ डेमोक्रेसी आफ्टर अबॉलिशिंग द मोनार्की। और 2008 में जो नेपाल है वो पूरे तरीके से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बना और मोनार्की को हटा दिया गया। द अबव फोटो शोज द सीन फ्रॉम द पीपल्स मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी इन 2006। तो जो पिक्चर्स हैं इनमें आप देख सकते हो कि किस तरीके से नेपाल में लड़ाई लड़ी जा रही है डेमोक्रेसी के लिए। तो इस वीडियो में हमने पहले रीजन के बारे में डिस्कस किया कि एक जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों जरूरी है, सोसाइटी को किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट करता है, कि सोसाइटी के आइडियल्स क्या है, किस तरीके के देश को जनता देखना चाहती है, किस तरीके के देश में वो रहना चाहती है, क्या उसके आइडियल्स होंगे, क्या उसके सिद्धांत होंगे, प्रिंसिपल्स होंगे, ऐसे देश को कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिप्रेजेंट करता है कि भाई ये जो देश है, जिस देश का वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा है, उस देश के मेन फीचर्स क्या है, क्या वो सोसाइटी किस तरीके की है, ये सब चीजें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक और रीजन पढ़ेंगे, एक और फीचर पढ़ेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस लिए जरूरी है, किस लिए जो कंट्रीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन रखती है। तो ये हमारा एक रीजन था। अब आने वाले वीडियोस में हम इसी तरीके से और थोड़े रीजंस पढ़ेंगे कि आखिरकार कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी के लिए क्यों जरूरी है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक सेक्शन स्टार्ट किया था जो कि एक सवाल था, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। तो लास्ट वीडियो में हमने एक मेन पॉइंट जो है डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी सोसाइटी के लिए जरूरी क्यों है। तो वो पॉइंट क्या था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उस सोसाइटी को दर्शाता है, वो सोसाइटी कैसी है, उसका फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसा है, एक तरीके से सोशल सिस्टम ऑफ अ सोसाइटी जो है दैट इज गेट रिप्रेजेंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है कि ये जो देश है इसकी सोसाइटी ऐसी है, यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके का है, राइट। तो वो एक रीजन था कि कोई भी देश जो है उसके लिए जरूरी क्यों है कॉन्स्टिट्यूशन होना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक तरीके से सोसाइटी का चेहरा है, वो सोसाइटी का नेचर बताता है। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें कि जो रीजन है कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है किसी भी देश के लिए, तो दूसरा रीजन ये है जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम को बताता है। द सेकेंड इंपॉर्टेंट पर्पस ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिफाइन द नेचर ऑफ अ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। तो कॉन्स्टिट्यूशन सोशल सिस्टम बताता है, साथ ही साथ पॉलिटिकल सिस्टम बताता है कि जो एक देश है उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का किस तरीके का नेचर है, किस तरीके का बेसिकली पॉलिटिकल सिस्टम उस देश में है। फॉर एग्जाम्पल, नेपाल्स अर्लियर कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड दैट द कंट्री वॉज टू बी रूल्ड बाय द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो हमने नेपाल का एग्जाम्पल पढ़ा था कि किस तरीके से नेपाल जो है वो एक मोनार्की था और बाद में लोगों ने जो है लड़ाई लड़ी, जन आंदोलन हुए और उसके बाद 2006 में जो नेपाल है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया। बट डेमोक्रेसी से पहले वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो मोनार्की वाले टाइम का कॉन्स्टिट्यूशन था, वो क्या कहता था कि जो कंट्री है उसको चलाएगा कौन, राजा चलाएगा और राजा के जो मिनिस्टर्स हैं वो इस कंट्री को चलाएंगे। मतलब पूरी पावर किसके पास है, राजा के पास है। अ किंग इज द अल्टीमेट पावर ऑफ द कंट्री एंड द किंग एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विल गवर्न और रूल द कंट्री, कि जो राजा है उसके मंत्री हैं वो इस पूरी कंट्री को चलाएंगे। ये जो राजा है उसके मिनिस्टर्स हैं वो उस कंट्री को चलाएंगे, ये सभी जो बातें हैं ये क्या दर्शाती हैं कि उस कंट्री का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कैसा है, ठीक है। तो जो नेपाल का पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये बताता था कि ये जो कंट्री है उसमें जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो मोनार्की वाला सिस्टम है, राजा वाला सिस्टम है, यहाँ पे डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है, जो लोग हैं वो अपने लीडर को यहाँ पे नहीं चुनते। In the countries that have adopted a democratic form of government or polity, the constitution plays a crucial role in laying out certain important guidelines that govern decision making within these societies.
ऐसी कंट्रीज जो कि डेमोक्रेटिक हैं, जिनमें जिनमें जो गवर्नमेंट है वो कैसे बन रही है, लोगों के द्वारा चुने जाने के बाद गवर्नमेंट बन रही है। तो पॉलिटी की यहाँ पे बोला हुआ है गवर्नमेंट और पॉलिटी। तो पॉलिटी का मतलब कोई ऐसा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो कि एक तरीके से बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो, मतलब कि उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, ऑर्गेनाइज्ड है, कि आपको पता है ये पर्सन इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएगा, इस पर्सन का ये रोल है। तो मतलब चीजें जो है एकदम स्पष्ट है, क्लियर है। तो ऐसे फॉर्म ऑफ सोसाइटी जिसका पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो है वो एकदम ही ऑर्गेनाइज्ड है, उसे हम पॉलिटी कहते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऐसी सोसाइटी में जहां पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे प्ले करता है कि वो ये बताता है कि इस देश में जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लिए जाएंगे। वो डिसीजन मेकिंग के लिए गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि अगर आपको कोई डिसीजन लेना है तो आपको इस तरीके से डिसीजन लेना है, ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से डिसीजन मेकिंग में मदद करता है कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है कि आपको कोई भी डिसीजन इस तरीके से लेना है जो भी वो सोसाइटी से रिलेटेड है। इन अ डेमोक्रेसी वी चूज आर लीडर्स सो दैट दे कैन एक्सरसाइज पावर रिस्पॉन्सिबली ऑन आर बिहाफ। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हम अपने लीडर्स को खुद चुनते हैं, हम वोट देते हैं, इलेक्शंस होते हैं और हम अपने लीडर को चुनते हैं। वो जो लीडर है वो हमें रिप्रेजेंट करता है और हम उसको पावर देते हैं कि वो हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले सके, हमारे लिए जो डिसीजंस है वो ले सके। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द पॉसिबिलिटी दैट दीज लीडर्स माइट मिस यूज देयर अथॉरिटी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रोवाइड्स सेफगार्ड अगेंस्ट दिस। अब हमने लीडर्स को चुना तो उनके पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है क्योंकि हमने उन्हें पावर दी है कि वो हमारे बिहाफ पे कोई भी डिसीजन ले सके। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो लीडर्स हैं जिनको हमने चुना है वो अपनी इस पावर का मिसयूज करने लगते हैं, वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज के खिलाफ हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है, सेफ गार्ड करता है कि अगर कोई लीडर अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा तो उसके खिलाफ ये एक्शन होगा, या फिर लोगों को ये बचाया जाता है इस तरीके से। बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, रेगुलेशंस हैं जो कि किसी पर्सन को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं इस तरीके के पावर के मिसयूज के खिलाफ। दिस मिसयूज ऑफ ऑथोरिटी कैन रिजल्ट इन ग्रॉस इनजस्टिस एज डेमोन्स्ट्रेटेड इन द क्लासरूम सिचुएशन बिलो। तो ये जो मिसयूज ऑफ पावर है कि अगर किसी के पास पावर है और वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो इसका अंजाम क्या होगा कि बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय हो जाएगा, और इसको हम इस एग्जाम्पल से और डिटेल में पढ़ेंगे। सुरेश इज द क्लास मॉनिटर, ही इज अ बुली। तो सुरेश जो है वो क्लास का मॉनिटर है और वो बुली है, मतलब कि वो चिढ़ाता रहता है लोगों को, मतलब अपने आप में एकदम बनता रहता है और लोगों को परेशान करता है। हिज क्लासमेट्स आर नॉट टू फॉन्ड ऑफ हिम, और जो सुरेश के क्लासमेट्स हैं वो उसको ज्यादा पसंद नहीं करते। मिसेस राव द क्लास टीचर हैज टू लीव द क्लास रूम ऑन सम अर्जेंट वर्क। तो मिसेस राव जो कि क्लास की टीचर थी उन्हें किसी जरूरी काम से क्लास को छोड़ के बाहर जाना पड़ा। शी आस्क सुरेश टू माइंड द क्लास, और उन्होंने बोला, जो उनकी टीचर थी उन्होंने बोला कि सुरेश तुम मॉनिटर हो तो तुम क्लास को माइंड करना, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रही हूँ क्लास को देखना। सुरेश स्टार्ट्स पिकिंग ऑन अनिल, और सुरेश जो है वो जैसे ही मैडम गई तो वो एक तरीके से अनिल को परेशान करने लग गया। अनिल टुडे आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू टू मिसेस राव। तो सुरेश कहता है कि अनिल आज मैं तुम्हारी शिकायत मिसेस राव से करूंगा। तो अनिल कहता है बट व्हाट हैव आई डन, पर मैंने किया क्या है। तो मतलब कि सुरेश जो है वो बिना मतलब के, बिना किसी गलती के अनिल के खिलाफ जो है रिपोर्ट देने वाला था मैम को। मैम व्हाइल यू वर अवे अनिल केप्ट टॉकिंग लाउडली एंड डिस्टर्बिंग द क्लास, ही वुड नॉट लिसन टू मी। तो फिर जैसे ही मैम आती हैं तो सुरेश जो है वो झूठी झूठी शिकायत कर देता है अनिल के खिलाफ मैम को। वो कहता है कि मैम जब आप बाहर गई थी ना तो जो अनिल है वो बहुत जोर जोर से बातें कर रहा था, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा था और मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था। तो फिर सुरेश की ये शिकायत सुन के मैम जो है बहुत गुस्सा हो जाती है अनिल के खिलाफ, और फिर वो अनिल को डांटने लगती है। अनिल यू विल हैव टू स्टे बैक आफ्टर स्कूल टुडे एंड राइट आई विल नॉट डिसओबे द क्लास मॉनिटर 100 times। तो मैम गुस्से में आके क्या कहती है अनिल को कि अनिल आज तुम्हें स्कूल के बाद क्लास में रुकना होगा और 100 बार ये लिखना होगा कि मैं अपने क्लास ऑन मॉनिटर को डिसोबे नहीं करूंगा, मतलब कि उसकी बात को मानूंगा। फिर अनिल अपनी सफाई देने की कोशिश करता है बट मैम उसकी नहीं सुनती। वो कहता है कि बट मैम आई डिडंट डू एनी थिंग। वो कहता है कि मैम मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, बट मैम जो है वो तो क्लास मॉनिटर की सुन रही थी, उसकी सुनी नहीं रही थी।
So in democratic societies, the constitution often lays down rules that guard against this misuse of authority by our political leaders. So हमने देखा किस तरीके से मॉनिटर जो सुरेश था उसके पास एक पावर थी और उसने अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल किया. तो अनिल ने तो कोई गलती नहीं की थी बट फिर भी उसे सजा भुगतनी पड़ रही थी सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि सुरेश जो है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा था. तो ये तो हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया क्लास के लेवल का. ऐसे ही पूरे देश में होता है कि जो लीडर्स हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पावर आ चुकी है, जो कि लोगों के भले के लिए उनको उतनी पावर दी गई है, बट वो क्या करते हैं, उस पावर का गलत इस्तेमाल करके लोगों को परेशान करते हैं, लोगों के साथ अन्याय करते हैं. तो इस चीज के खिलाफ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ रूल्स देता है ताकि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल ना करें. इन द केस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबाउट विच यू विल रीड मोर लेटर इन दिस चैप्टर, मेनी ऑफ दीज लॉज आर कंटेन्ड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो अगर हम बात करें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसको अभी आप चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे, तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके के लॉज को कहाँ पे देता है, ज्यादातर हमें इस तरीके के लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स वाले जो सेक्शन है उसमें दिखेगा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स वाले सेक्शन में हमें इस तरीके से बहुत सारे राइट्स प्रोवाइड करता है जो कि हमें मदद करते हैं कि हम पॉलिटिकल्स की इन मिसयूज ऑफ पावर से बच सके. डू यू रिकॉल द चैप्टर ऑन दलित राइटर ओम प्रकाश वाल्मीकिज एक्सपीरियंस इन द स्कूल फ्रॉम योर क्लास 7th बुक? तो हमने क्लास 7th में ओम प्रकाश वाल्मीकि की जो स्टोरी है वो पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था क्योंकि जो ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं वो दलित कास्ट के थे तो उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन होता है कि उनके जो स्कूल टीचर हैं वो जो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं उन्हें पूरे स्कूल की झाड़ू लगाने के लिए कहते हैं. क्यों? रीजन कोई भी नहीं, क्योंकि तुम दलित हो, सिर्फ इसलिए. उनको क्लास में घुसने नहीं दिया जाता था, उनके साथ इसी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था. किस बेसिस पे? बिकॉज ही बिलोंग्स टू अ सर्टेन कास्ट. अब वो टीचर ने इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? क्योंकि टीचर के पास पावर थी, है ना, कि वो बच्चों को इस तरीके से आदेश दे रहा था, उनको परेशान कर रहा था. इन दैट चैप्टर वी टॉक्ड अबाउट डिस्क्रिमिनेशन ओम प्रकाश फेस्ड बिकॉज ही वॉज दलित. तो उस चैप्टर में हमने डिटेल में बात की थी कि दलित होने की वजह से किस तरीके से ओम प्रकाश जी को डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा. यू रीड अबाउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वालिटी टू ऑल पर्सन्स and says that no citizen can be discriminated against on ground of religion, race, caste, gender and place of birth. तो हमने उस टाइम पे राइट टू इक्वालिटी के बारे में पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबको एक समान मानता है. जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि एवरी वन इज इक्वल बिफोर लॉ, कि हर एक जो पर्सन है वो मेरे लिए एक समान है, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, चाहे कोई भी हो, वो एक ही समान है. अगर वो एक गुनाह करेगा तो कोई भी पर्सन हो उसे सेम ही सजा मिलेगी. तुम्हारे बैकग्राउंड के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे या किसी भी बेसिस पे वो तुम्हारे साथ इस तरीके से भेदभाव नहीं किया जाएगा, मतलब सबके लिए सेम सजा होगी. तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो लॉ है वो कह रहा है कि सब इक्वल हैं और किसी भी बेसिस पे, कोई भी बेसिस हो, रिलीजन हो, रेस हो, कास्ट हो, जेंडर हो, प्लेस ऑफ बर्थ हो, किसी भी बेसिस पे किसी भी पर्सन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता. द राइट टू इक्वालिटी इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स गारंटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो राइट टू इक्वालिटी है ये एक फंडामेंटल राइट है जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है कि अगर हमारे खिलाफ कोई इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करेगा, चाहे जेंडर के बेसिस पे, चाहे रिलीजन के, कास्ट के, किसी भी बेसिस पे अगर हमारे साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो अब हम आवाज़ उठा सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट देता है कि अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो आवाज़ उठाओ और तुम्हें न्याय मिलेगा. Another important function that a constitution plays in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups. तो अभी तो हमने बात की political leaders की जो कि अपनी power का गलत इस्तेमाल करते हैं. But किसी भी society में सिर्फ ऐसा ही नहीं होता कि there are chances कि सिर्फ और सिर्फ political leaders ही अपनी power का गलत इस्तेमाल करें. और दूसरे powerful लोग भी होते हैं जो कि अपनी power का गलत इस्तेमाल कमजोर लोगों के खिलाफ कर सकते हैं, जैसे कि डोमिनेंट ग्रुप. हमें नॉर्मली सोसाइटीज में देखने मिलता है अलग अलग कम्युनिटीज होती हैं. अब उन कम्युनिटीज में से कुछ ग्रुप जो है वो डोमिनेंट होते हैं, एक तरीके से ज्यादा पावरफुल होते हैं, ज्यादा मात्रा में होते हैं, जो कि हो सकता है कि अपने से कम पावरफुल लोगों को या कम जो माइनॉरिटीज हैं या दूसरे ग्रुप्स हैं उनके ऊपर दबाव बना सकता है, उनको परेशान कर सकता है, डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी भी तरीके के मिसयूज ऑफ पावर से, चाहे कोई डोमिनेंट ग्रुप कर रहा है, चाहे कोई पॉलिटिकल पावर कर रहा है, कोई इंडिविजुअल पर्सन कर रहा है, कुछ भी हो, इस तरीके से मान लो कोई बड़ा ही बिजनेसमैन है और वो अपने पैसे का गलत इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, तो
कोई भी अपनी पावर का अगर गलत इस्तेमाल कर रहा है उसके खिलाफ जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेफ्टी प्रोवाइड करता है। कैसे? क्योंकि वो हमें काफी सारे राइट्स देता है, रेगुलेशंस जो है उसने बनाई हुई हैं, जिससे कि हम अपने आप को इन सभी होने वाले अन्यायों के खिलाफ बचा सकते हैं, अपनी आवाज जो है वो उठा सकते हैं इनके खिलाफ। द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोन्स्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। अब ये वाली जो स्टोरी पढ़ेंगे ये हम देखेंगे कि किस तरीके से एक पावरफुल ग्रुप जो है वो दूसरे नॉट सो पावरफुल पावरफुल ग्रुप को दबाने की कोशिश करता है। द गेम्स पीरियड इज अबाउट टू बिगिन। तो सीन क्या है कि जो गेम्स पीरियड है वो शुरू होने ही वाला है। तो यहाँ पे आप गर्ल्स को देख सकते हो, ये कहती हैं लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। वो कहती हैं कि चलो एक बदलाव लाने के लिए आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं। ठीक है, रोज कोई और गेम खेलते होंगे तो कहते हैं कि आज हम बास्केटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे लड़के क्या कहते हैं, नो वी विल प्ले क्रिकेट, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो फिर जो लड़की है जो कह रही थी कि हम बास्केटबॉल खेलेंगे, तो फिर वो गुस्से में कहती है कि हाँ हाँ बिल्कुल, क्योंकि क्लास में ज्यादा लड़के हैं तो उनके क्लास में क्या होगा कि जो लड़के हैं वो ज्यादा मात्रा में होंगे, लड़कियों की जो संख्या है वो इतनी नहीं होगी। तो इस वजह से ज्यादातर क्या होता था कि जो लड़के हैं उन्हीं की बात मानी जाती थी, जो गेम वो खेलना चाहते थे वही खेला जाता था। तो यहाँ पे लड़का जो है वो मजे में कह रहा है कि ही वी हैव वॉन, कि हम जीत गए। जीत गए मतलब कि उस बहस में जीत गए कि कौन क्या खेलेगा, कि हम क्रिकेट खेलेंगे। We always have to do what the boys want because they are in a majority. तो फिर ये लड़कियां कहती हैं कि हमें हमेशा वही करना पड़ता है जो लड़के चाहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा मात्रा में हैं, वो लोग ज्यादा हैं क्लास में। Mom should think of another way to make decisions so that our wishes are also heard. तो फिर दूसरी लड़की कहती है कि जो टीचर है, मैम है, उन्हें कुछ ऐसे तरीके सोचने चाहिए डिसीजन लेने के ताकि जो हम चाहते हैं वो भी सुना जाए, क्योंकि हमेशा एक प्रति बात हो रही है, सिर्फ लड़कों की ही बात सुनी जा रही है, लड़कियों की जो बात है वो सुनी ही नहीं जा रही, जो लड़कियां चाहती हैं वो कभी सुना ही नहीं जाता। तो बच्चे कहते हैं कि कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ताकि लड़कियां जो हैं उनकी आवाज भी सुनी जा सके। सच अनहेल्दी सिचुएशंस कैन अकर इन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज टू। तो इस तरीके की जो हमें सिचुएशन देखने मिली जहां पे एक मेजॉरिटी जो ग्रुप है वो दूसरे के ऊपर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, उसको दबाने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगी, जो होगा वो हमारे हिसाब से होगा, तुम्हारी यहाँ पे नहीं चलेगी। इस तरीके की जो सिचुएशन है ये तो हमने क्लास का एग्जाम्पल देखा, बट इस तरीके की सिचुएशन डेमोक्रेटिक सोसाइटीज में भी बन सकती है, वेर अ मेजॉरिटी कैन कंटिन्यूअसली इन्फोर्स देयर डिसीजंस दैट एक्सक्लूड माइनॉरिटीज एंड गो अगेंस्ट देयर इंटरेस्ट। क्या हो सकता है कि कोई जो मेजॉरिटी है, जो लोग ज्यादा संख्या में है, वो लोग अपने डिसीजंस दूसरों पे थोप सकते हैं और जो माइनॉरिटी है, जो कम मात्रा में लोग हैं, उनकी बात को कभी सुना ही नहीं जाएगा इस तरीके से। As the above story board illustrates, every society is prone to its this tyranny of the majority. और जैसा कि हमने इस सिचुएशन में देखा कि हर एक जो सोसाइटी है वो इस तरीके की दिक्कत से गुजरती ही है, जूझती है, कि वहां पे क्या होता है, कुछ लोग ज्यादा मात्रा में होते हैं, कुछ लोग कम मात्रा में होते हैं। जो लोग मेजोरिटी वाले हैं, ज्यादा मात्रा वाले हैं, वो अपने जो डिसीजन है उनको कम मात्रा वाले लोगों पर थोपने की कोशिश करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजली कंटेन्स रूल्स दैट इंश्योर दैट माइनॉरिटीज आर नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम एनीथिंग दैट इज रूटीनली अवेलेबल टू द मेजोरिटी। अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फिर से यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से रूल्स एस्टेब्लिश करता है कि ताकि जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें किसी भी ऐसी चीज से वंचित ना रखा जाए जो कि मेजोरिटी के पास है, मतलब जो पावर्स, जो फ्रीडम मेजोरिटी इंजॉय कर रहे हैं उसी तरीके का पावर फ्रीडम जो है वो माइनॉरिटी भी इंजॉय कर सके, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करता है। Another reason why we have a constitution is precisely to prevent this tyranny or domination by majority of a minority. मतलब कि हमारा जो constitution है उसका दूसरा important reason वो ये है किसी भी देश में constitution होने का, कि जो constitution है वो इस तरीके के domination से बचाता है minority को, कि जो majority है वो इस तरीके से जो dominate करते हैं लोगों को, उनके ऊपर अपनी चलाने की कोशिश करते हैं, इस चीज से माइनॉरिटी को बचाया जा सके, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंश्योर करने में हेल्प करता है। दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटिंग अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन। अब ये जो डोमिनेशन है वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, कि मान लो एक कम्युनिटी जो है वो ज्यादा है मात्रा में, तो वो क्या करेगी, वो दूसरे कम्युनिटी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगी। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं दो कम्युनिटीज के बीच में जो है ये डोमिनेशन देखने को मिल सकता है, और हो सकता है सेम कम्युनिटी के बीच में हमें ये जो डोमिनेशन है वो देखने मिले, कि एक ही कम्युनिटी है जिसमें कि कुछ लोग ऊपर हैं और कुछ लोग नीचे हैं, इस तरीके से डिफरेंसेस बने हुए हैं, कुछ लोग मेजॉरिटी में हैं, कुछ लोग माइनॉरिटी में हैं, तो एक ही कम्युनिटी के बीच में भी ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो डोमिनेशन है वो हो सकता है, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। तो
सेम कम्युनिटी के बीच में जो डोमिनेशन हो रहा है उसे हम इंट्रा कम्युनिटी कहेंगे, जो दो अलग अलग कम्युनिटीज के बीच में डिस्क्रिमिनेशन या डोमिनेशन हो रहा है उसे हम इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन कहेंगे। तो इसका अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ तो इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन का एग्जाम्पल आप मान लो, एक देश में मान लो दो रेस के लोग हैं, ठीक है, एक व्हाइट वाले लोग हैं और एक ब्लैक वाले लोग हैं। तो व्हाइट वाले लोग जो है देखा हमने, मतलब जैसे ये अमेरिका वगैरह में हमने देखा है कि किस तरीके से रेसिज्म होता है, तो उसी का एग्जाम्पल है। देखो जो व्हाइट लोग हैं वो ज्यादा है मात्रा में और ब्लैक जो है वो कम है, तो या दो कम्युनिटी के लोग हम कह सकते हैं, व्हाइट हो गए एक ब्लैक हो गए। तो व्हाइट वाले जो हैं वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं ओवर ब्लैक पीपल, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनको दबाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर अपने जो डिसीजन है वो थोपने की कोशिश करते हैं। वही अगर हम बात करें इंटर कम्युनिटी की, तो मान लो जो हिंदू है, हिंदुइज्म है, जो हिंदू लोग हैं वो एक कम्युनिटी हो गए। अब इसमें भी हमें जाति सिस्टम देखने मिलता है। अब कुछ लोग जो है वो अपने आप को अपर कास्ट वाला कहते हैं, वो मेजोरिटी में उनके पास पावर ज्यादा है, तो उस कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, वो दूसरे वो पावरफुल लोग क्या करते हैं, दूसरे जो दूसरे सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोग हैं उनके ऊपर वो डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो एक ही कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, बट उसके बीच में भी जो है डोमिनेशन हो रहा है कि कुछ पर्टिकुलर लोग जो है वो अपने आप को सुपीरियर मान रहे हैं और वो दूसरे लोगों को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये वाला सिस्टम क्या हो गया, ये हो गया इंटर कम्युनिटी क्योंकि दो कम्युनिटीज के बीच में हो रहा है, और ये वाला क्या हो गया इंट्रा कम्युनिटी क्योंकि एक ही कम्युनिटी के बीच में कुछ लोग अपने आप को ज्यादा पावरफुल समझ रहे हैं और वो दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं। तो ये हो गया इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। सो वी हैव डिस्कस द टू पॉइंट्स अबाउट व्हाई डज अ कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि एक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है, उससे रिलेटेड हमने टू पॉइंट्स जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्या था, पहला जो है वो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है किसी भी सोसाइटी के नेचर को डिफाइन करता है कि जो सोसाइटी है वो कैसी होने वाली है, किस तरीके के देश में लोग रहना चाहते हैं, उस कंट्री की जो इमेज है उसको दर्शाता है कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा जो पॉइंट पढ़ा था वो हमने ये पढ़ा था कि जो मिसयूज करते हैं पॉलिटिकल लीडर्स अपनी पावर का, उससे बचाने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें हेल्प करता है। साथ ही साथ कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स ऐसे होते हैं देश में जो कि दूसरे लोगों को जो कि ज्यादा पावरफुल नहीं है उनके ऊपर अपनी डोमिनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें दबाने की कोशिश करते हैं, उनपे अपने डिसीजंस थोपने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके की डोमिनेंस से भी लोगों को बचाने का काम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो है वो प्रोवाइड करता है, हमें बहुत सारे राइट्स देता है कॉन्स्टिट्यूशन, जिससे कि हम अपने आप को इस तरीके के मिसयूज ऑफ पावर से बचा सकते हैं। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी है। द थर्ड सिग्निफिकेंट रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आर सेल्व्स। जो सेकेंड पॉइंट था उसमें तो हमने बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है ताकि दूसरे लोगों से हमें बचाया जा सके, ताकि हम अपने आप को दूसरे लोगों जो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हम अपने आप को बचा सके। बट जो तीसरा जो पॉइंट है वो बात कर रहा है कि हम खुद से ही अपने आप को बचा सके। इसका मतलब क्या हुआ, ये सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा होगा कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, खुद ही से खुद को हमें कैसे बचाना है। तो दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट वट इज मीन बाय दिस इज वट वी माइट एट टाइम्स फील स्ट्रांगली अबाउट एन इशू दैट माइट गो अगेंस्ट आर लार्जर इंटरेस्ट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स अस गार्ड अगेंस्ट दिस। तो ये जो बात है कि वी हैव टू जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें खुद से ही बचाता है, इसका मतलब ये है कि कभी कभी किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में हम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली फील करने लगते हैं, उसको अच्छा मानने लगते हैं कह सकते हैं, बट उस पॉइंट ऑफ टाइम में हमें लग रहा होता है कि ये चीज हमारे लिए सही है, बट लॉन्ग टर्म में देखें तो वो हमारे लिए सही नहीं होती। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस सिचुएशन में ही ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हमारे लिए सही है, हमें और ब्रॉड व्यू लेके चलना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें इस तरीके की गलती करने से रोकता है। हम क्या करते हैं, कभी कभी बहुत ज्यादा टेम्पटेड हो जाते हैं कुछ चीजों को करने के लिए, शॉर्ट टर्म में हमें चीजें बहुत अच्छी लग रही होती हैं और उसका ब्रॉडर व्यू हम नहीं देख पाते। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें मदद करता है हम अपने इस तरीके के गलत डिसीजन से अपने आप को बचा सके। अब इस चीज का आपको एग्जाम्पल से और अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके के गलत डिसीजन हम शॉर्ट टर्म के लिए ले लेते हैं जो कि हमें बाकी लॉन्ग टर्म के लिए गलत हो सकते हैं वो हमारे लिए। तो शबनम इज इन अ फिक्स, शी हैज अ डिसीजन टू मेक। तो शबनम जो है वो एक कंफ्यूजन सी में है, उसे एक डिसीजन लेना है। आई हैव टू चैप्टर्स लेफ्ट टू रिवाइज फॉर टुमारोज टेस्ट। तो शबनम जो है उसका अगले दिन टेस्ट है और उस टेस्ट के लिए जो भी सिलेबस था उसमें से सिर्फ और सिर्फ टू चैप्टर्स, दो चैप्टर्स ऐसे रह गए हैं जो कि उसको रिवाइज करने हैं, बाकी सारा उसने रिवाइज कर चुका है। बट इट्स टाइम फॉर माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम, बट अभी जो समय हो रहा है वो मेरे फेवरेट टीवी प्रोग्राम का है और मुझे उसे देखने का बहुत ज्यादा मन कर रहा है, आई एम डाइंग टू वॉच इट। बट इफ आई डू दैट
आई वोंट हैव टाइम टू फिनिश माई रिविजन। तो फिर शबनम कहती है कि मेरे जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम है उसका तो टाइम हो रहा है, बट अगर मैंने टीवी प्रोग्राम देखा तो उसके बाद मेरे पास चैप्टर्स को रिवाइज करने का टाइम नहीं बचेगा। फिर यहाँ पे शबनम जो है वो अपने मम्मी पापा के पास बैठती आके, तो शबनम की जो मम्मी है वो उससे पूछती है, शबनम व्हाई आर यू लुकिंग सो वरीड, कि शबनम तुम इतनी ज्यादा चिंता में क्यों लग रही हो। तो शबनम बताती है आई वॉन्ट टू वॉच दिस टीवी प्रोग्राम बट आई हैव अ टेस्ट टुमारो। तो शबनम बोलती है कि मुझे ये टीवी प्रोग्राम देखना है बट मेरा कल टेस्ट है। If you all watch TV, I will also want to watch. अगर आप सभी लोग टीवी देखोगे तो फिर मेरा भी मन करेगा टीवी देखने का, बट मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना एक काम करें कि आज कोई टीवी देखे ही ना। What if no one watches TV tonight? कि आज एक काम करते हैं, कोई भी टीवी मत देखो, then I may not be tempted. तो हो सकता है कि भाई मेरा भी मन ना करे, अगर घर में कोई भी टीवी नहीं देखेगा, टीवी एकदम बंद रहेगा, कोई आवाजें नहीं आएंगी, तो फिर मेरा भी वो शो देखने का मन नहीं करेगा। क्योंकि क्या होगा कि अगर घर में टीवी चलेगा तो थोड़ी बहुत आवाज आएगी, कुछ चल रहा होगा, जो देखने वाले हैं वो हंसेंगे, रिएक्ट करेंगे, तो उनके रिएक्शन को देखकर, टीवी की आवाज को सुनकर बार बार शबनम का मन करेगा कि मैं भी देखती हूँ जाके, हुआ क्या, ये लोग क्यों हंस रहे हैं। तो इस तरीके से उसका बार बार मन करेगा टीवी देखने का। तो इसीलिए उसने बोला अपने पेरेंट्स को कि क्यों ना आज हम टीवी बंद ही कर देते हैं ताकि मैं पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दे पाऊं और टीवी देखने के लिए टेम्पटेड ना हो, उत्सुक ना हो। तो फिर टेस्ट के टाइम क्या होता है, शबनम बोलती है इट्स अ गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, कि अच्छा हुआ मैंने टीवी देखा ही नहीं। देर आर सो मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट टू चैप्टर्स, आखिरी के जो लास्ट दो चैप्टर्स थे जो मेरे को रिवाइज करने थे उनमें से काफी सारे क्वेश्चन आए हैं। तो उसने क्या किया था, टीवी ना देख के अपने वो दो चैप्टर्स रिवाइज कर लिए थे और उन दो चैप्टर्स में से काफी सारे क्वेश्चन आए थे जिससे अब वो उसका आंसर दे पा रही है। तो देखो क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म के लिए उसे लगा कि उस पॉइंट ऑफ टाइम में कि भाई उसका फेवरेट टीवी शो आ रहा है और उसे देखने का मन है, तो उसने उस टाइम पे क्या लिया, एक अच्छा डिसीजन लिया ये सोच के कि अगर मैंने अभी टीवी देखा तो मेरा कल का टेस्ट बेकार जाएगा, तो उसने आगे की बात सोची। बट अगर इसका उल्टा होता, शबनम सब कुछ छोड़ छाड़ के कहती कि यार छोड़ो टेस्ट वेस्ट तो मैं बाद में देख लूंगी, पढ़ने की कोशिश करूंगी बाद में अगर टाइम बचेगा, मैं एक काम करती हूँ कि मैं अपना फेवरेट टीवी प्रोग्राम देख लेती हूँ क्योंकि इसका तो रिपीट टेलीकास्ट भी नहीं आता और टेस्ट का क्या है, इसे मैं सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश करूंगी। तो वो ऐसा सोचती है और सुबह क्या होता कि वो उठ ही नहीं पाती, वो अपना टीवी प्रोग्राम देख के सो जाती है, थक जाती है और सुबह उसको जो है नींद खुलती नहीं। तो मान लो इस तरीके की सिचुएशन होती और उसके जो दो चैप्टर रिवाइज करने थे वो रह ही जाते और जो क्वेश्चंस उन लास्ट दो चैप्टर से आए थे वो उन्हें आंसर नहीं कर पाती। तो इस सिचुएशन में क्या होता, उसने एक गलत डिसीजन लिया होता और उसके टेस्ट पे उसका असर होता, राइट। तो इस तरीके के जो डिसीजन है जो हम खुद के लिए ही कभी कभी हानिकारक जो है साबित हो जाते हैं, जिस तरीके से इस सिचुएशन में ऐसा नहीं हुआ बट जो मैंने दूसरी सिचुएशन बताई कि हाँ इसका अपोजिट हो सकता था जिसमें कि जो शबनम है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती कि उसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते, तो वो खुद ही के लिए खुद ही जो है नुकसान वाला काम कर रही थी। इस तरीके के गलत डिसीजन से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बचाने की कोशिश करता है। तो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टेन डिसीजंस दैट वी माइट टेक दैट कुड हैव एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द लार्जर प्रिंसिपल्स दैट द कंट्री बिलीव्स इन। तो अभी तो हमने बात की कि कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जिसे कि हम गलत तरीके से ले लेते हैं जो कि हमें नुकसान करते हैं, उनका इफेक्ट जो है पर्सनली हम पे होता है। बट इसी तरीके से एक और सिचुएशन हो सकती है जिसमें कि कोई पर्सन या ग्रुप ऑफ पर्संस मिलके कुछ ऐसा डिसीजन ले लेते हैं जो कि कंट्री के प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा है, एक तरीके से पूरे कंट्री के सिस्टम को ही चेंज कर देगा। तो इस तरीके के गलत डिसीजन से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें बचाने की कोशिश करता है। तो For example, it is possible that many people who live in a democracy might come to strongly feel that the party politics has become so acrimonious that we need a strong dictator to set this right. So, for example, बहुत सारे लोगों को क्या लगा एक डेमोक्रेसी में कि जो डेमोक्रेसी है उस सिस्टम में अभी क्या हो रहा है कि जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो बढ़ती जा रही है, कि मतलब पार्टीज जो है वो आपस में ही एक अलग ही तरह की राजनीति खेल रहे हैं, मतभेद हो रहे हैं बहुत ज्यादा, लोगों के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा और ये जो सिस्टम है बहुत ही एक्रीमोनियस बन गया है। एक्रीमोनियस मतलब कि एक ऐसा सिस्टम, मतलब जो कि जिस चीज पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आए। तो वो लोग मिलके क्या सोचने लग गए कि जो डेमोक्रेसी अभी से हटा देते हैं इसमें तो बहुत ही पार्टी पॉलिटिक्स वगैरह चल रहा है, लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा, तो डिक्टेटरशिप जो है वो लाने की जरूरत है और डिक्टेटरशिप से ही ये जो सारी सिचुएशन है वो ठीक हो पाएगी। तो वो क्या सोचने लगते हैं कि जो राजा वाला सिस्टम है, डिक्टेटरशिप वाला सिस्टम है वो देश में आना चाहिए। Swept by this emotion, they may not realize that
इन द लॉन्ग रन डिक्टोरियल रूल गोज अगेंस्ट ऑल देयर इंटरेस्ट। और इस भावना में बहते हुए वो लोग ये भूल जाएंगे, वो ये समझ नहीं पाएंगे कि जो डिक्टेटोरियल रूल है, मतलब कि जो डिक्टेटरशिप है, जहां पे एक बंदा होता है, तानाशाह होता है, जो कि पूरे देश को जो है कंट्रोल करता है, तो ये जो सिस्टम है वो उन सबके इंटरेस्ट के खिलाफ जाता है लॉन्ग टर्म में। अभी तो तुम्हें देखने में लग रहा होगा कि भाई अगर राजा रहेगा तो वो सब चीजों पे ध्यान रख पाएगा, जैसे पार्टी सिस्टम नहीं होगा, आपस में लोग नहीं लड़ेंगे पार्टीज के नाम पे, तो क्या होगा कि जो राजा है वो अच्छे से ध्यान रख पाएगा। बट ये शॉर्ट टर्म में तो ठीक लग रहा है, बट इसके बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी तो हैं, बहुत सारी कमियां भी तो हैं कि राजा जो है अपनी मर्जी चलाएगा लोगों के बारे में, तो वो तो बिल्कुल ही नहीं सोचेगा, उसका जो मन करेगा वो करेगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, ठीक है, उस पर सवाल उठाने वाला नहीं होगा कि अगर वो कोई काम कर रहा है तो क्यों कर रहा है, उसकी जवाबदेही नहीं होगी लोगों के प्रति। तो इस तरीके की सिचुएशन तो और ज्यादा खराब हो जाएगी डिक्टेटरशिप की वजह से। और ये लोग हो सकता है कि उस टाइम पे ना समझ पाए, उस टाइम तो पर तो वो भावनाओं में बह के ये सोचने लगते हैं कि भाई डेमोक्रेसी को हटा देते हैं, डिक्टेटरशिप ले आते हैं, वही सही रहेगा। बट लॉन्ग टर्म में कुछ साल बाद जाके वो ये समझ पाएंगे कि ये तो हमने गलत डिसीजन ले लिया। इस तरीके के गलत डिसीजन से भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें प्रोटेक्ट करता है। अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज विम्स टू चेंज इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। तो एक अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस तरीके के विम्स से बचाने की कोशिश करता है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को। मतलब कि विम्स मतलब क्या होता है, विम्स मतलब अचानक से जब किसी का दिमाग चेंज हो जाता है कोई बिना किसी रीजन के, कि मतलब वो पहले कुछ सोच रहा था, अब अचानक से वो कुछ और सोचने लग गया और वो रीजन भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि अब वो ऐसा क्यों सोच रहा है। तो इस तरीके से देखो, लोगों को पहले क्या लग रहा था कि भाई डेमोक्रेसी अच्छी है, बट अचानक से अब उन्हें क्या लगने लग गया कि जी डिक्टेटरशिप अच्छी है, और वो उस चीज को अभी नहीं समझ पा रहे सही से कि भाई क्यों अच्छी है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से उसका एनालिसिस किया ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजों से कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो खुद का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको बचाता है। इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ provisions that guarantee rights to citizens and protect their freedom. तो constitution जो है वो किसी को भी ऐसे allow नहीं करता कि भाई तुम दो मिनट में आओ और पूरे provisions को, rules को, regulations को, rights को सबको change कर दू। नहीं, अगर constitution में कुछ भी changes लाने हैं तो उसको change करने का ना बहुत ही important procedure है, कि ऐसे ही कोई भी उठ के, जिसको रात को आप सोए सुबह सब जो है उठे और बोलने लगे कि जी हमें तो constitution की ये चीजें चेंज करनी है, नहीं ऐसे नहीं होगा, एक पूरा प्रोसीजर जो है वो फॉलो होता है और जो कि इतना आसान नहीं होता। तो कॉन्स्टिट्यूशन का अगर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे कोई भी इतने आसानी से उसके प्रोविजंस को, जो उसने कॉन्स्टिट्यूशन ने सिटीजन्स को राइट्स वगैरह दिए हुए हैं, अपने लोगों को, अपने सिटीजन्स को जो फ्रीडम दिया हुआ है, जो प्रोटेक्शन दी हुई है, उसको कोई भी ऐसे इस तरीके से इतने आसानी से चेंज नहीं कर सकता। तो अभी हमने जो है तीन मेन पॉइंट्स पढ़े कि किस लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है या किसी भी जो सोसाइटी का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्यों जरूरी है। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि वो सोसाइटी का नेचर बताता है, दूसरा डिस्कस किया था कि जो मिसयूज ऑफ पावर है उससे बचाता है, और तीसरा हमने जो है वो डिस्कस किया कि किस तरीके से कभी कभी हम खुद के लिए ही गलत डिसीजन ले लेते हैं, तो उन गलत डिसीजन से बचाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी कि भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है और किस किस तरीके से वो हमें हेल्प करता है। अब हम देखेंगे जो नेक्स्ट सेक्शन है उससे हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे ये सारी चीजें होती हैं, कैसे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सोसाइटी का स्ट्रक्चर बताता है। हमें ये तो पता है कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन सोसाइटी का स्ट्रक्चर बताता है, बट कैसे बताता है, किस तरीके से वो मिसयूज ऑफ पावर को रोकता है, किस तरीके से वो हमें ही हमारे खिलाफ जो है गलत डिसीजंस लेने से रोकता है, इस चीज पे हम नेक्स्ट सेक्शन से बात करेंगे कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये सब काम कैसे कर रहा है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर्स। तो पिछला वाला जो सेक्शन था उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्या क्या फायदे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के होने के। तो वहां पे हमने काफी सारे पॉइंट्स जो है वो डिस्कस किए थे कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सोसाइटी के नेचर को बताता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो मिसयूज ऑफ पावर से लोगों को बचाता है, और साथ ही साथ हमें कभी कभी हम जो गलत डिसीजंस ले लेते हैं अपने लिए, उन सब डिसीजनों से भी बचाता है। तो ये सारे फीचर्स जो है हमने देखे थे कि भाई क्यों कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी होता है। अब हमने ये तो देख लिया कि अच्छा इसलिए जरूरी होता है, ये काम जो है कॉन्स्टिट्यूशन करता है, वो सोसाइटी का नेचर जो है वो बताता है, बट कैसे बताता है, वो किस तरीके से हमें मिसयूज ऑफ पावर से बचाता है, किस तरीके से वो हमें हमारे ही गलत डिसीजनों से बचाता है, ये सब चीजें हम इस सेक्शन में देखेंगे कि जो काम कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो आखिरकार करता कैसे है, राइट। तो इस वीडियो में बेसिकली हम फीचर्स जो है अभी नहीं डिस्कस करेंगे, बट हम ये देखेंगे
जो कॉन्स्टिट्यूशन है आखिरकार वो किसने बनाया, किस तरीके से बनाया, और जिन लोगों ने बनाया उनके सामने क्या क्या दिक्कतें थी, तो ये सब चीजें हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम हमारे जो फीचर्स हैं वो डिस्कस करेंगे। तो बाय द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी द इंडियन नेशनल मूवमेंट हैड बीन एक्टिव इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल फॉर सेवरल डिकेड्स। तो 20th सेंचुरी के आते आते उसके शुरुआत में, मतलब जो 1900 वाला पीरियड है, उस टाइम तक ऐसी सिचुएशन थी कि जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव थी उस टाइम पे। मतलब कि इंडियंस जो हैं वो ब्रिटिशर्स से आजादी के लिए बहुत ज्यादा लड़ रहे थे, और उस टाइम तक उन्हें लड़ते लड़ते काफी दशक भी हो गए थे। दशक मतलब एक दशक में 10 साल होते हैं, तो मतलब काफी दशकों से वो लोग लड़ रहे थे, ठीक है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल द नेशनलिस्ट हैड डिवोटेड अ ग्रेट डील ऑफ टाइम टू इमेजिनिंग एंड प्लानिंग व्हाट अ फ्री इंडिया वुड बी लाइक। अब जब हम अपने फ्रीडम स्ट्रगल में थे, जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बहुत ज्यादा इस चीज पे ध्यान दिया था, गौर किया था कि जब हम आजाद हो जाएंगे ना तो हमारा देश आखिरकार होगा कैसा, क्या क्या उसके फीचर्स होंगे, किस तरीके के रूल्स और रेगुलेशन हमारे देश में होंगे। तो ये सब चीजों पर हमारे जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान बहुत ज्यादा सोच विचार किया था। अंडर द ब्रिटिश दे हैड बीन फोर्स्ड टू ओबे रूल्स दैट दे हैड वेरी लिटिल रोल इन मेकिंग। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे क्या हुआ कि जो भी हम लोग रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे थे वो वाले रूल्स थे, वो वाले रेगुलेशंस थे जिन्हें हमने बनाने में कोई रोल प्ले नहीं किया है। मतलब कि हमारे लिए सारे रूल्स कौन बना रहे थे, ब्रिटिश, और वो सारे रूल्स बना के क्या कह रहे थे अब इंडियंस को कि अब तुम्हें ये रूल्स फॉलो करने हैं। मतलब इंडियंस अपने लिए रूल नहीं बना रहे थे, जो रूल्स ब्रिटिशर्स ने बनाए हैं बस उनको फॉलो कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स हमें मजबूर कर रहे थे उन रूल्स को फॉलो करने में। The long experience of authoritarian rule under the colonial state convinced Indians that free India should be a democracy in which everyone should be treated equally and be allowed to participate in government. तो लगभग 200 साल जो है ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया, तो काफी टाइम हो चुका था कि हमने ये देख लिया था इंडियंस ने फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान तक, मतलब जब हम लोग नेशनल मूवमेंट में थे, जब लोग लड़ रहे थे आजादी के लिए, उस टाइम तक लोगों को ये तो समझ आ गया था कि जो ऑथोरिटेरियन रूल है, ऑथोरिटेरियन रूल मतलब ये एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पे लोगों को अधिकार नहीं होता कि वो खुद के लिए डिसीजंस ले पाए। इंडिया के केस में देखो कि ब्रिटिशर्स जो है क्या वो इंडियंस को अलाउ करते थे कि इंडियंस अपने लिए डिसीजन ले, नहीं। तो ये ऑथोरिटेरियन रूल था कि ब्रिटिशर्स हमारे लिए रूल्स बनाते थे, हमारे लिए डिसीजंस लेते थे और हमें सिर्फ वो मानना पड़ता था, राइट। सो इंडियंस को भी समझ आ गया था कि ऑथोरिटेरियन रूल तो इंडिया में नहीं होने वाला, हमें इस चीज से तो छुटकारा चाहिए। तो लोगों के दिमाग में ये क्लियर हो चुका था जो नया इंडिया होगा, जो आजाद भारत होगा, उसमें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, डेमोक्रेसी होगी। डेमोक्रेसी मतलब पीपल्स पावर, जहां पे लोग सबसे ज्यादा मजबूत हों, जहां पे लोगों का पार्टिसिपेशन हो, लोगों की बात सुनी जाए। तो ये तो जो है साफ हो गया था कि जो आजाद भारत है वहां पे क्या होगा, डेमोक्रेसी होगी, जहां पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा, किसी में भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी भी बेसिस पे सबको एक समान माना जाएगा, और सबको गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए अलाउ किया जाएगा कि कोई भी पर्सन जो है वो गवर्नमेंट बना सकता है, कोई भी पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। What remained to be done then was to work out the ways in which a democratic government would be set up in India and the rules that would determine its functioning. अब ये तो डिसाइड हो गया था कि इंडिया में गवर्नमेंट कौन सी होने वाली है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होने वाली है। बट अभी क्या चीज रह गई थी ये डिसाइड करना कि भाई ये जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो आखिरकार बनेगी कैसे, किस तरीके से हमारे यहाँ जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सेटअप होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रूल्स रहेंगे, क्या रेगुलेशन रहेंगे जिनके थ्रू जो वो गवर्नमेंट है वो फंक्शन करेगी, किस तरीके से वो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो सेटअप होगी और किस तरीके से वो काम करेगी, ये चीज अभी डिसाइड होनी बाकी थी। This was done not by one person but by a group of around 300 people who became members of the Constituent Assembly in 1946 and who met periodically for the next 3 years to write India's constitution. अब ये सभी जो बातें हैं कि हमारा जो free India होगा जिसमें हम democratic government रखेंगे, तो अब उस democratic government की क्या functioning रहेंगी, क्या rules regulations रहेंगे, किस तरीके से वो setup होगी, ये सभी चीजें जो हैं वो किसी एक पर्सन द्वारा ही डिसाइड नहीं की गई हैं, बट
लगभग 300 लोगों का ग्रुप था जिसने ये सब चीजें डिसाइड की हैं, जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो किसी एक पर्सन ने कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा है, बल्कि लगभग 300 लोगों ने मिलकर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया है। तो ये जो 300 लोग थे, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर बने। मतलब ये 300 लोग कौन है? ये सभी मिलके क्या कर रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मतलब एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा एक तरीके से असेंबली जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, ये लोग मिलके क्या कर रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो ग्रुप होता है जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट बनाता है या उस कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है या उसमें चेंजेस लाता है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन जो ग्रुप बना रहा है उसे हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहेंगे। तो इस ग्रुप में कितने लोग थे? लगभग 300 लोग जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट थे। और ये जो असेंबली है वो 1946 में एक तरीके से सेटअप हुई। ये 300 लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट 1946 में बने। और आने वाले 3 सालों तक, मतलब कि 1946 से लेके 1949 तक, ये 300 लोग जो है वो टाइम टू टाइम मिले, इन्होंने मीटिंग्स की और क्या किया, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। तो दीज मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैड अ ह्यूज टास्क बिफोर देम। अब ये लोग जो 300 लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई, अब इनका जो काम था वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखना था। बट कॉन्स्टिट्यूशन लिखना कोई आसान काम तो होता नहीं है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे एक बहुत बड़ा टास्क था जो कि था कॉन्स्टिट्यूशन लिखना एक आजाद देश का। द कंट्री वॉज मेड अप ऑफ सेवरल डिफरेंट कम्युनिटीज हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स एंड हैड डिस्टिंक्ट कल्चर्स। तो सबसे पहली जो दिक्कत थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आगे वो ये थी कि हमारा देश जो है वो किसी एक तरह के ग्रुप से नहीं बना हुआ, सिर्फ एक तरह के लोगों से नहीं बना हुआ। हमारे देश में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, उनके कल्चर्स अलग हैं, उनके ट्रेडिशंस अलग हैं, उनका रहन सहन अलग है। तो मतलब लोगों में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे। तो ये एक आगे बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सॉल्व करनी थी कि किस तरीके से हमारे देश में, हमारे देश की जो ये यूनिटी है उसके बीच में डाइवर्सिटी ना आ जाए। मतलब कि हमारे देश में लोग डाइवर्सिटी की वजह से, इन डिफरेंसेस की वजह से लड़े ना, अशांति ना हो। तो इस चीज को बनाए रखने का एम था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए ताकि ये डाइवर्सिटी भी बनी रहे और हमारी यूनिटी भी बनी रहे। ऑल्सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बींग रिटन, इंडिया वॉज गोइंग थ्रू कंसिडरेबल टर्मोइल। अब देखो, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो 1946 में सेटअप हुई और इस टाइम पे बहुत कुछ चल रहा था देश में। देश में एक तरीके से उथल पुथल हो रखी थी। इस टाइम पे जो इंडिया है वो किस डर से गुजर रहा था कि हाँ भाई, इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो जाएगा। द पार्टीशन ऑफ द कंट्री इंटू इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज इमिनेंट। इमिनेंट मतलब जो चीज एक तरीके से श्योर है कि हाँ होने वाली है। तो इस तरीके से 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुई और 1947 में जो इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा है वो हुआ था। तो 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये एक तरीके से ये दिक्कत थी, एक तरीके से टास्क था बहुत बड़ा इनके सामने कि भाई जब कंट्री डिवाइड हो जाएगी तो उस चीज को हम कैसे संभालेंगे, कितनी दिक्कतें आएंगी उस टाइम पे। तो इंडिया बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहा था और एक दिक्कत जो थी उस टाइम पे पाकिस्तान और इंडिया का डिविजन था। सम ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स रिमेन्ड अनडिसाइडेड अबाउट देयर फ्यूचर। दूसरी दिक्कत जो थी वो ये थी कि बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली स्टेट्स मतलब ऐसे राज्य जिन्हें राजा चला रहे हैं, जिनके जो हेड हैं वो राजा हैं। अभी वहां पे डेमोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरीके से नहीं आया है। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी वो कंफ्यूज थी, उन्होंने अभी ये क्लियर नहीं किया था कि वो किसके साथ जाने वाली हैं, वो क्या करने वाली है। क्या वो इंडिपेंडेंट देश के तौर पर आगे बढ़ेंगी, क्या वो इंडिया का साथ साथ रहेंगी, क्या वो पाकिस्तान के साथ रहेंगी। तो ये सभी चीजें अभी उन्होंने क्लियर नहीं की थी। एंड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वास्ट मास ऑफ पीपल अपीयर्ड डिसमल। और फिर हम बात करें अपने देश के लोगों की, तो जो हमारे देश की पॉपुलेशन थी उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। सोशली भी लोगों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस थे, मतभेद थे। इकोनॉमिकली लोगों के पास पैसा इतना नहीं था, लोग गरीब थे, लोग गरीबी रेखा के नीचे बहुत सारे लोग रह रहे थे, उनके घर में खाने के लिए रोटियां नहीं थी। इस तरीके की सिचुएशन से हमारा देश उस टाइम पे गुजर रहा था और ये सभी जो दिक्कतें हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आ रही थी। ऑल ऑफ दीज इश्यूज प्लेड ऑन द माइंड्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज दे ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा तो ये सभी चीजें उनके दिमाग में चल रही थी कि हमारे देश का डिविजन हो रहा है, देश में बहुत सारे गरीब लोग हैं, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है हमारे देश में। तो इन सब चीजों से कैसे आगे बढ़ा जाए, कैसे देश को जो डेवलपमेंट है उसके राह पे लाया जाए, ये सभी चीजें जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाते समय
हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स के दिमाग में चल रही थी. दे रोज टू द ओकेशन एंड गिव दिस कंट्री अ विजनरी डॉक्यूमेंट दैट रिफ्लेक्ट्स अ रिस्पेक्ट फॉर मेंटेनिंग डाइवर्सिटी व्हाइल प्रिजर्विंग नेशनल यूनिटी. और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक ऐसा डॉक्यूमेंट तैयार किया 3 सालों में जो कि बहुत ही विजनरी था. विजनरी मतलब एक ऐसी चीज जो कि हमें भविष्य के बारे में बताती है कि वो किस तरीके से भविष्य में प्लान कर रही है, क्या वो करने वाली है. इस तरीके से मतलब कि फ्यूचर से रिलेटेड हमने डिसाइड किया है कि हमारा फ्यूचर, हमारा जो भारत है वो इस तरीके का होने वाला है. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने एक ऐसा विजनरी डॉक्यूमेंट जो है देश को दिया जिसमें कि डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट मेंटेन की हुई थी. मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे डाइवर्सिटी को, इन डिफरेंसेस को, कि भाई बहुत सारे रिलीजन्स हैं देश में, बहुत सारी कम्युनिटीज हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स हैं, लैंग्वेजेस हैं, इन सभी चीजों को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने रिस्पेक्ट दी है और बोला है कि ये सभी चीजें एज इट इज होनी चाहिए, इनमें कोई बदलाव नहीं होगा. किसी को भी उसके धर्म के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे, उसके कल्चर के बेसिस पे या उसकी लैंग्वेज के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. सबको रिस्पेक्ट दी हुई है. द फाइनल डॉक्यूमेंट ऑल्सो रिफ्लेक्ट देयर कंसर्न फॉर इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म एज वेल एज एम्फसाइजिंग द क्रूशियल रोल द पीपल कैन प्ले इन चूजिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, एक तो उसने हमारी डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट दी है और यूनिटी पे फोकस किया है कि भाई हमारे यहाँ डाइवर्सिटी भी रहेगी और यूनिटी भी मेंटेन रहेगी, साथ साथ रहेगी. और दूसरा जो चीज पे फोकस किया हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने, वो ये था कि हमारे देश में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई लोग जो है बहुत ज्यादा गरीब थे, तो किस तरीके से इस गरीबी को हटाया जाए सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के थ्रू. रिफॉर्म्स मतलब एक तरीके से चेंजेस सोशली इकोनॉमिकली, किस तरीके से चेंजेस लाए जाए ताकि अपने देश से इस गरीबी को हटाया जाए. इस चीज पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ध्यान दिया और साथ ही साथ ये भी एम्फेसाइज किया कि लोग कितना बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में. मतलब कि जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मतलब लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे. तो इस चीज को लोगों को बहुत अच्छे से समझना होगा कि उनके पास कितनी बड़ी पावर है कि वो एक देश के लीडर को चुन रहे हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं जो कि फ्यूचर में उनके बिहाफ पे डिसीजन लेने वाला है. तो अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया, अगर उन्होंने, लोगों ने गलत रिप्रेजेंटेटिव को चुन लिया, तो पूरा देश जो है वो डूब जाएगा, देश जो है वो डेवलप नहीं हो पाएगा. तो इसीलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को भी ये बताता है कि भाई तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हो और इस चीज को एकदम ध्यान से करो और ये तुम्हारी एक तरीके से बहुत बड़ा राइट है. हमारे पास ये सबसे बड़ा राइट है कि हम अपने लीडर को चुन पा रहे हैं. अब हमें यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में थोड़ी सी और डिटेल बताई हुई है. तो देयर वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेंस ऑफ यूनिटी अमंग्स द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके जो मेंबर्स थे, वो जो 300 लोग थे, उनमें एक अलग ही तरह की यूनिटी थी, एकता थी कि सब जो है मिलके एक काम जो है करते थे, एकता थी उनमें बहुत ज्यादा. ईच ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्कस्ड इन ग्रेट डिटेल एंड देयर वाज अ सिंसियर एफर्ट टू कॉम्प्रोमाइज एंड रीच एन एग्रीमेंट थ्रू कंसेंसस. अब देखो 300 लोग मिलके कोई चीज पे डिसीजन ले रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि सब लोग एक चीज से जो है सहमत हो. तो ये एक बड़ा जो है टास्क था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने कि किस तरीके से वो 300 लोग जो है वो किसी बात पे सहमत हों और उस चीज को कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए. तो जो भी चीजें, जो भी प्रोविजंस जो है कॉन्स्टिट्यूशन में डाले जा रहे थे, उनके ऊपर इन सभी लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में बात की और एक तरीके से एफर्ट्स डाले गए कि किस तरीके से सहमति के साथ जो है वो बात आगे बढ़े, जो भी वो प्रोविजंस ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई ये चीज जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होनी चाहिए. तो ये कोशिश की गई कि उस बात पे मैक्सिमम लोग जो है सहमत हों और एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिसमें सबकी सहमति हो, ठीक है, और उस चीज को ही कॉन्स्टिट्यूशन में डाला जाए. तो इस तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने काम किया. द अबव फोटो शोज सरदार वल्लभ भाई पटेल अ प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो यहाँ पे आप हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं इनको आप देख सकते हो. ये जो है इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में. अब हम बात करते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की. तो जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर थे इनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है. तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में. और ये जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे. ड्राफ्टिंग कमेटी जो है वो एक तरीके से वो कमेटी थी जिसने कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया है, एक तरीके से खांचा तैयार किया है कि हमारा जो
कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके का होगा, क्या क्या चीजें हम उसमें डालेंगे, इस तरीके से एक तरीके से मैप जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उन्होंने तैयार किया। और उस कमिटी के, जो कमिटी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके हेड थे अंबेडकर जी, राइट। तो इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर बिलीव दैट हिज पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्प द शेड्यूल्ड कास्ट गेट सम सेफगार्ड इन द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें पता है कि जो अंबेडकर जी थे वो शेड्यूल कास्ट से थे। सो अंबेडकर जी ये कहते हैं कि उन्हें ऐसा लगता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उनके पार्टी पार्टिसिपेशन से क्या हुआ है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन्हें थोड़ा सा सेफगार्ड मिला है, उन्हें थोड़ी सी सेफ्टी मिली है, मतलब उनके जो इंटरेस्ट हैं, उनके जो भला है उसका ध्यान रखा हुआ है, क्योंकि जो अंबेडकर जी थे वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के पार्ट थे। बट ही ऑल्सो स्टेटेड दैट ऑल दो द लॉज माइट एग्जिस्ट शेड्यूल कास्ट स्टिल हैड रीजंस टू फियर बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दीज लॉज वर इन द हैंड्स ऑफ कास्ट हिंदू ऑफिसर्स। तो जो अंबेडकर जी हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में तो मैंने रोल प्ले किया कि शेड्यूल कास्ट है उसको भी बढ़ावा मिले, उसको थोड़ी सेफ्टी मिले, बट बहुत सारे लॉज तो बन गए शेड्यूल कास्ट की सेफ्टी के लिए, बट फिर भी ऐसा नहीं हो सकता कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो एकदम चिंता मुक्त होके बैठ जाएं। नहीं, अभी भी उन बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जिनकी वजह से वो चिंता में रहेंगे, क्योंकि ये जो लॉज बने हैं, ये जो रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हिंदू ऑफिसर्स के हाथ में है, कास्ट हिंदू ऑफिसर्स, मतलब कि मान लो जो ऊंची कास्ट के लोग हैं, हिंदू ऑफिसर्स हैं, वो इन सभी रूल्स को, रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहे हैं। तो डर ये है कि अगर ये कास्ट, ऊपर कास्ट वाले हिंदू ऑफिसर्स अगर कास्ट सिस्टम में बिलीव करते हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उन्हें गंदा समझते हैं, तो ये ऑफिसर्स क्या करेंगे, इन रूल्स को अच्छे से फॉलो नहीं करेंगे, इन जो लॉज हैं उन्हें अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो जो लोग हैं शेड्यूल कास्ट के उन्हें तो फिर भी वही दिक्कत रहेगी ना। तो इसीलिए जो अंबेडकर जी हैं वो शेड्यूल कास्ट के लोगों से कहते हैं कि अब तुम्हें गवर्नमेंट सर्विसेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और गवर्नमेंट में आना पड़ेगा, मतलब कि तुम इलेक्शंस वगैरह लड़ो, गवर्नमेंट बनाओ और सिविल सर्विसेज में आओ। इससे क्या होगा कि जो रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज शेड्यूल कास्ट के लिए बने हुए हैं उसे तुम अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाओगे, है ना। अगर कोई शेड्यूल कास्ट का पर्सन होगा तो वो अपने लिए, अपने लोगों के लिए जो लॉज बने हुए हैं उनको और अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएगा, राइट। तो ऐसा उन्होंने बोला। सो अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो, पहली बात तो ये देखा कितने मेंबर्स की थी, लगभग 300 मेंबर्स की थी, किस ईयर में बनी, 1946 में बनी, और उसके आगे क्या क्या दिक्कतें थी और किस तरीके से जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने इन सभी दिक्कतों को दिमाग में रखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। और उसके हमने दो चीज मेन पढ़ी कि किस तरीके से हमारी डाइवर्सिटी के लिए रिस्पेक्ट, यूनिटी मेंटेन की हुई है, साथ ही साथ पॉवर्टी कैसे इरेडिकेट करनी है, और लोगों को ये बताया हुआ है कि भाई तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में। तो ये सभी चीजें जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बताता है, और ये सब किसने किया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, राइट। अब नेक्स्ट वीडियो से हम जो है पढ़ेंगे कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन फीचर्स क्या है, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो से देखेंगे। फेडरलिज्म, तो हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 सिविक्स, और उसमें हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है, हमने ये देखा था कि किसी भी कंट्री या सोसाइटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी होता है, क्या क्या चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन करता है, और फिर हमने लास्ट वीडियो से ये सेक्शन स्टार्ट किया था कि ये सभी चीजें जो कि कॉन्स्टिट्यूशन करता है वो आखिरकार करता कैसे है, ठीक है। तो उसमें हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कोई एक पर्सन नहीं था उसमें, उसमें अराउंड 300 लोग थे। ये सभी लोग जो है लगभग 3 साल तक कंटिन्यूसली वो टाइम टू टाइम मीटिंग्स उन्होंने की, उन्होंने अलग अलग मुद्दों पे बातचीत की, डिबेट्स की, डिस्कशन की, और उन्होंने सारी जो हमारा इंडिया होने वाला था उस टाइम पे, जो आज़ाद भारत होने वाला था, उसके क्या रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोविजंस जो भी रहेंगे वो सभी चीज़ें फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। अब हम जो है रिपब्लिक डे मनाते हैं, राइट, तो रिपब्लिक डे हम पता क्यों मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू हुआ था। तो ये जो बन के तैयार हुआ था वो तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949,
बट वो इन्फोर्स कब हुआ था, लागू कब हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950, राइट। सो दैट इज वाई वी सेलिब्रेट आर रिपब्लिक डे, क्योंकि उस दिन हम कंप्लीटली आजाद हो चुके थे। जब तक हमारा खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, हमारे रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे, तब तक हम एक तरीके से पूरे तरह से आजाद नहीं हुए थे। और जैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, हमने उसे अपनाया, वैसे ही हम एकदम ही मतलब एकदम कंप्लीटली ब्रिटिशर्स से आजाद हो चुके थे। सो दैट इज वाई वी सेलिब्रेट आर रिपब्लिक डे। और अब इस वीडियो से हम कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो फीचर है वो है फेडरलिज्म। दिस रिफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द कंट्री। तो देखो, हमारे देश में आपको पता है एक सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, या उसे हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं, फिर एक स्टेट लेवल गवर्नमेंट है, और फिर आपने पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, ये सब के बारे में भी सुना होगा। तो ये सब क्या है? ये सब फेडरलिज्म का ही हिस्सा है। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? जब किसी भी देश में एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक से ज्यादा लेवल मतलब कि हमारे देश का एग्जाम्पल लो, कि ऐसा तो नहीं है कि पूरे देश को सिर्फ एक ही तरह की गवर्नमेंट संभाल रही है, या पूरे देश में सारे डिसीजन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले रही है। नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, और बहुत सारी चीजों में जो पार्टिसिपेशन है वो किसका रहता है? पंचायत का रहता है, वो डिसीजन लेते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमारे देश में काफी सारे जो है लेवल्स हैं, तीन मेन लेवल्स हैं हमारे गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो ये जो लेवल्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? फेडरलिज्म, की जब किसी देश में एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट हो। और फेडरलिज्म को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संघवाद, राइट। वी हैव गवर्नमेंट्स एट द स्टेट लेवल एंड एट द सेंटर। हमें पता है हमारे देश में स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट है, कि मतलब हमारा जो इंडिया है, राइट, इसकी एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट इंडिया में हमें पता है बहुत सारी स्टेट्स हैं। अब उस हर एक स्टेट का जो है अपना ही एक जो है सीएम है, अपनी उनकी गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल लेवल हो गया, फिर स्टेट लेवल पे जो भी गवर्नमेंट है वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। देन पंचायती राज इज द थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट, एंड यू हैव रीड अबाउट दिस इन योर क्लास 6 बुक। अब स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बाद आता है लोकल लेवल गवर्नमेंट, से हम पंचायती राज कहते हैं। ये जो है ये तीसरा टायर है गवर्नमेंट का, और इसके बारे में हमने क्लास 6 में डिटेल में पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में जो क्लास 6 सिविक्स है उसका पूरे प्लेलिस्ट दी हुई है, आप वहां से जाके भी टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। तो वी लुक्ड एट द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट इन योर क्लास 7 बुक, एंड दिस ईयर वी विल रीड अबाउट द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो क्लास 6 में तो हमने जो है पंचायती राज के बारे में पढ़ा था, क्लास 7 में हमने स्टेट लेवल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा, और अब 8 क्लास में हम सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किस तरीके से काम करती है। द वास्ट नंबर ऑफ कम्युनिटीज इन इंडिया मेंट दैट अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नीडेड टू बी डिवाइज्ड दैट डिड नॉट इन्वॉल्व ओनली पर्सन सिटिंग इन द कैपिटल सिटी ऑफ न्यू दिल्ली एंड मेकिंग डिसीजंस फॉर एवरीवन। अब हमें पता है हमारा देश जो है वो बहुत ही ज्यादा डाइवर्स है, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज हमारे देश में रहती। अब इस डाइवर्सिटी की वजह से, इन नंबर ऑफ कम्युनिटीज की वजह से, ये एक फिजिबल जो है रास्ता नहीं है, एक सही रास्ता नहीं होगा कि अगर पूरे देश के लिए, सभी तरह की कम्युनिटीज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे डिसीजन लिए जाए। ये हमारा इंडिया है मान लो, राइट, और यहाँ पे मान लो दिल्ली है। अब अगर हम कहें कि पूरे इंडिया के लिए, पूरे इस कंट्री के लिए हर तरीके के डिसीजन, हर तरीके के कौन लेगा? सिर्फ इस छोटी सी जगह में रहने वाले लोग, कुछ लोग जो हैं वो पूरे देश के लिए डिसीजन लेंगे, तो बताओ जो अलग अलग कम्युनिटीज रह रही हैं क्या उनके साथ न्याय हो पाएगा? क्योंकि जरूरी नहीं है इस एरिया में ये लोग इस वाले एरिया की जो दिक्कतें वो समझ पाए, है ना, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि वो लोग एकदम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। उन्हें जमीनी तौर पे जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो ये लोग नहीं जान पाएंगे, कि ये लोग तो यहाँ दिल्ली में बैठे हैं और कोई एरिया यहाँ पे है मान लो जो कि बहुत ही ज्यादा दिक्कतों से गुजर रहा है, तो क्या दिल्ली में बैठे लोगों को अच्छे से समझ आ पाएगी इनकी परेशानी? नहीं, राइट। तो इसीलिए ऐसा हम नहीं कर सकते थे कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग न्यू दिल्ली में बैठ के पूरे देश के लिए जो है डिसीजन ले। तो जरूरत थी कि एक ऐसा सिस्टम हो जहाँ पे छोटे से छोटे एरिया के लिए भी ये पॉसिबिलिटी हो कि वो अपनी दिक्कत को बड़े लेवल पे जाके पहुंचा सके, उसको लोगों के सामने ला सके। इंस्टेड इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू हैव अनदर लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट्स सो दैट डिसीजंस कुड बी मेड फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया। तो इसीलिए जरूरत क्या थी कि हर एक जो एरिया है उसके अपनी स्टेट जो है गवर्नमेंट हो।
ताकि इस स्टेट में रहने वाले लोगों के लिए मोर स्पेसिफिकली कोई जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, डिसीजंस जो हैं वो लिए जा सके, क्योंकि हर एक एरिया के लोग अलग हैं, वहाँ का कल्चर अलग है, कम्युनिटी अलग है, लोग अलग अलग भाषा बोलते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है ना, वहाँ के लोगों का जो जीने का ढंग है वो अलग है, तो इतनी सारी जो है वो डिफरेंसेस हैं। अब क्या सभी तरह के लोगों पे हम एक ही तरह का डिसीजन थोप सकते हैं क्या? नहीं, तो हर एक तरीके के लोगों के लिए हमें उनके हिसाब से डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब जैसे मान लो दिल्ली में कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम थी, मान लो यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत है, यहाँ पानी गंदा है, पानी की वैसे ही कमी हो रही है, लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच रहा, मान लो इस तरीके की दिक्कत है, राइट। अब जो दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट है वो ये कह रहे थे कि पूरे देश में हम पानी जो है एक तरीके से फ्री करते हैं, या फिर पानी के लिए हम जो पानी पहुंचाने के लिए हम और ज्यादा डेवलपमेंट करेंगे, इस तरीके की बात कहते हैं। बट इस एरिया में रहने वाले लोग, मान लो जो समुद्र के पास रहते हैं जहाँ बारिश बहुत होती है, अब ऐसे लोग कह रहे हैं कि जी हमें पानी की तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो पानी ही पानी है, बल्कि यहाँ तो कोई ऐसा जुगाड़ करो ताकि बाढ़ से बचा जा सके, है ना। तो इसीलिए हमें एरिया स्पेसिफिक जो है वो डिसीजंस लेने होते हैं, और इसके लिए हमें एक अलग जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट की जरूरत थी, जो कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे जो है बहुत सारे डिसीजंस कौन लेता है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट लेती है, बट एरिया स्पेसिफिक के लिए, उस स्टेट के लोगों के लिए हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है वो डिसीजंस लेती है। व्हाइल ईच स्टेट इन इंडिया एंजॉयज ऑटोनॉमी इन एक्सरसाइजिंग पावर्स ऑन सर्टेन इश्यूज, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल कंसर्न्स रिक्वायर दैट ऑल ऑफ दीज स्टेट्स फॉलो द लॉज ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो ऐसा नहीं है कि हर तरीके का डिसीजन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ले लेगी, या हर तरीके का डिसीजन सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ले लेगी, ऐसा नहीं है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने बहुत ही अच्छे तरीके से ये बताया हुआ है कि किन किन चीजों पे स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, किन किन चीजों पे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, तो उसने अच्छे से बताया हुआ है। अब वैसे तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके पास काफी पावर है, वो काफी ज्यादा फ्रीडम एक तरीके से एंजॉय करते हैं अपने स्टेट के लिए डिसीजन लेने में, बट फिर भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनमें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन नहीं ले सकती, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी। जैसे हम बात करें नेशनल सिक्योरिटी की, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और जो भी हमारे एमिनेशन वगैरह है कि कैसी तोप आएंगी, किस तरीके से हवाई जहाज जो है वो आर्मी के लिए लाए जाएंगे, और किस तरीके से जो है वो हमें नेवी को, आर्मी को, या अपनी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है उन्हें किस तरीके से मजबूत करना है, उनसे रिलेटेड जो भी डिसीजंस हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, राइट। क्योंकि ये पूरे नेशनल सिक्योरिटी की बात है, पूरे देश के सिक्योरिटी की बात है, तो अगर हम यहाँ पे स्टेट्स को अलाउ कर देंगे कि भाई तुम नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड डिसीजन ले आओ, तो हम पूरे देश को एक रख नहीं पाएंगे, उससे क्या होगा कि हर एक स्टेट अपने लेवल पे सोचती रहेगी, है ना, और उससे बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो इस तरीके के डिसीजन जो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स लिस्ट दैट डिटेल द इश्यूज दैट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन। अब देखो मैंने आपको बताया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्पेसिफाई करता है कि किन किन इश्यूज पे स्टेट बना सकती है डिसीजंस, और किस किस चीज पे सेंट्रल जो गवर्नमेंट है वो डिसीजंस ले सकती है। तो ये सभी जो चीजें हैं कि किस किस इश्यूज पे डिसीजन लिए जा सकते हैं किसके द्वारा, वो सभी चीजें जो हैं एक लिस्ट में लिखी हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट हैं, पहली है यूनियन लिस्ट, दूसरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसमें वो सभी इश्यूज लिखे हुए हैं जिन पे कि सिर्फ और सिर्फ जो यूनियन गवर्नमेंट है उसको डिसीजंस लेने का अधिकार है। स्टेट लिस्ट में वो सभी इश्यूज स्पेसिफाई किए हुए हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, और कॉन्करेंट लिस्ट जो है उसमें वो सभी इश्यूज लिखे हुए हैं जिन पे कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी डिसीजन ले सकती है और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट भी उन पे डिसीजन ले सकती है। इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्पेसिफाइज वेयर ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट कैन गेट द मनी फ्रॉम फॉर द वर्क दैट इट डज। अब हमारी गवर्नमेंट बहुत सारे काम करती है, पर उन कामों को करने के लिए उसे पैसा भी चाहिए होता है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि ये जो हर एक लेवल की गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, लोकल लेवल, इन लोगों को अपना काम करने के लिए पैसा कहाँ से इकट्ठा करना है वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। अंडर फेडरलिज्म द स्टेट्स आर नॉट मेयरली एजेंट्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट बट ड्रॉ देयर अथॉरिटी फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल। अब ऐसा नहीं है कि फेडरलिज्म में सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए 3 लेवल दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है, इनके पास अपनी पावर्स हैं, इनके अपने इश्यूज स्पेसिफाई किए हुए हैं कि किनके ऊपर ये डिसीजन ले सकते हैं। तो ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है डिसीजन लेने की, ये फ्रीडम इंजॉय करने की, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करता है। All persons in India are governed by laws and policies made by each of these levels of government. अब
देश का हर एक जो पर्सन है वो इन सभी लेवल, तीनों लेवल की गवर्नमेंट के द्वारा जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं उनसे बाधित है। मतलब कि जैसे ये हो गया इंडिया, ये इंडिया की कोई स्टेट और उस स्टेट में एक छोटा सा गांव है ये। अब यहाँ की जो पंचायत थी उसने कोई डिसीजन लिया, तो इस गांव में रहने वाला यहाँ पे एक पर्सन था काजू, तो ये जो काजू है इसके ऊपर वो सभी रूल्स और रेगुलेशंस लागू होंगे जो कि पंचायत ने लिए हैं। अब ये है स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट का भी तो है मन करेगा कुछ डिसीजंस लेने का, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का, तो स्टेट लेवल ने भी अपने कुछ रूल्स रेगुलेशंस जो है वो बना दिए, लॉज बना दिए। तो अब काजू के ऊपर पंचायत वाले जो डिसीजंस हैं, लॉज हैं, वो भी लागू होते हैं और साथ ही साथ स्टेट वाले भी लागू होंगे, राइट। अब हम बात करें सेंट्रल लेवल की, तो सेंट्रल लेवल भी जो है लॉज बनाएगा, पॉलिसीज बनाएगा, तो जो सेंट्रल लेवल पॉलिसीज वगैरह बनाएगा, रूल्स लॉज बनाएगा, वो अब वो भी काजू के ऊपर जो है अप्लाइड होंगी। मतलब कि काजू को पंचायत वाली बातें भी माननी पड़ेंगी, स्टेट वाली भी और सेंट्रल वाली भी माननी पड़ेंगी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि भी काजू तो सिर्फ और सिर्फ इस गांव में रह रहा है तो इसके ऊपर जो है सिर्फ पंचायत का जो डिसीजंस हैं वही एप्लीकेबल होंगे, ये तो सिर्फ इस स्टेट में रह रहा है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेट के ही लॉज इस पे एप्लीकेबल होंगे, ऐसा नहीं है। ये तीनों जो लेवल हैं, इन तीनों लेवल के जो भी लॉज हैं वो सब इस पर्सन पे एप्लीकेबल होंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ किसी एक लेवल के लागू होंगे, नहीं, तीनों लेवल के होंगे, राइट। और ये जो तीनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, स्पेशली हम बात करें सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल गवर्नमेंट की, तो ऐसा नहीं है कि सेंट्रल ऊपर और स्टेट नीचे है, नहीं, ऐसा नहीं है, ये दोनों एक समान है। मतलब कि ये दोनों सेम लेवल पे हैं, इनमें कोई पावरफुल और कोई जो है इंफीरियर नहीं है, दोनों ही के पास जो है अपनी पावर्स हैं, अपने उनके पास इश्यूज हैं जो कि ये जिनके ऊपर डिसीजंस बना सकते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऊपर है और स्टेट नीचे, नहीं, राइट, दोनों ही एक समान है, दोनों के पास ही अपनी अपनी पावर्स हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस तरीके से जो फेडरलिज्म है वो हमारे देश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसका इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि यहाँ पे तीन लेवल ऑफ गवर्नमेंट है और जो कि लोगों को स्पेसिफिकली उनकी दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा काम करती है। क्योंकि देखो पंचायत जो है वो विलेज लेवल पे काम कर रही है, तो उस गांव की जितनी भी दिक्कतें होंगी वो पंचायत के लोगों को बहुत ही अच्छे से पता होंगी और उनको सॉल्व कराने के लिए वो पूरी जो है मेहनत करेंगे। बट अगर सेंट्रल लेवल पे कोई बैठा है उसे कैसे पता चलेगा कि किसी छोटे से गांव में कोई क्या दिक्कत आ रही है, उसे नहीं पता चलेगा, राइट। और अगर पता भी चल गया तो वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा, जो भी चीजें उसके लिए सुधार के लिए करनी होंगी वो उतने अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है ये हमारे देश को और ज्यादा जो है बेटर बनाती। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने फेडरलिज्म जो पॉइंट है वो डिस्कस कर चुका था, राइट। सो अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। द डिफरेंट टायर्स ऑफ गवर्नमेंट दैट यू जस्ट रेड अबाउट कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ सिस्टम है उसमें क्या है कि एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। तो हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो सेंट्रल लेवल पे है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है और फिर लोकल गवर्नमेंट है। अब इन गवर्नमेंट्स में जो भी पर्सन होते हैं वो कौन होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट कौन लोग चलाते हैं? वो लोग चलाते हैं जिन्हें कि हमने वोट दे के चुना है। इसी तरीके से स्टेट लेवल में भी इलेक्शंस होते हैं और क्या होता है कि जिन लोगों को हम वोट देते हैं स्टेट लेवल पे वो फिर स्टेट लेवल की गवर्नमेंट बनाते हैं। और इसी तरीके से पंचायत के भी जो है इलेक्शंस होते हैं और लोग जो है इलेक्ट होके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो इन सभी लेवल्स पे क्या होता है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, जो कि इलेक्शंस के थ्रू उस पोजीशन पे पहुंचे हैं। योर क्लास 7 बुक बिगेन विद द स्टोरी ऑफ कांता हु वाज स्टैंडिंग इन लाइन टू वोट ड्यूरिंग एन इलेक्शन। तो हमने क्लास 7th में जो चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने शुरू में एक स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरीके से कांता जो है वो लाइन में खड़ी होती है और उस टाइम पे हमने देखा था किस तरीके से चाहे कांता हो या कांता के जो सर हैं जो जिनके वहां वो काम करती हैं एम्प्लॉयर हैं वो भी उसी सेम लाइन में खड़े थे। मतलब कि हर तरीके के लोग चाहे कांता हो या कोई भी हो सब लोग उस एक लाइन में खड़े थे और वो जो वोट है वो देने का इंतजार कर रहे थे। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या गारंटी करता है? यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज का,
राइट, तो यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज क्या है कि कोई भी जो अडल्ट पर्सन है किसी देश में उसको वोट देने का अधिकार होता है। तो इंडिया में कोई भी पर्सन जो 18 या उससे अबव एज का है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है। When they were making the constitution, the members of the constituent assembly felt that freedom struggle had prepared the masses for universal adult suffrage and that this would help encourage a democratic mindset and break the clutches of traditional caste, class and gender hierarchies. तो जब हमारी constituent assembly constitution को बना रही थी कि national movement में लड़ते समय हमारी जो masses हैं, मतलब कि हमारे जो लोग हैं, जनता हैं, अब वो universal adult suffrage के लिए तैयार हो चुके हैं और अगर हम आजाद भारत में यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज का जो सिस्टम है वो लाएंगे, मतलब सभी अडल्ट को वोट देने का अधिकार देंगे, तो इससे क्या होगा कि जो ट्रेडिशनल कास्ट सिस्टम के एक तरीके से बेड़ियां लोगों के पैर में बंधी हुई हैं उनसे हमें जो है मुक्ति मिलेगी। साथ ही साथ जो जेंडर हायरार्कीज है, मतलब कि जेंडर के बेसिस पे जो पितृ सत्ता वाला सिस्टम चला हुआ है कि मेल को ही प्रेफरेंस देनी है, तो वो वाले सिस्टम को भी जो है वो एक तरीके से खत्म किया जाएगा। क्योंकि देखो हमारे देश में तो जब हमारा देश आजाद हुआ तो सबको वोट दिया गया, बट बहुत सारे देशों में ऐसा नहीं हुआ था। वहां पे जैसे अमेरिका वगैरह है, वहां की औरतों ने बहुत ही लंबी लड़ाई लड़ी है इस वोटिंग राइट को पाने के लिए, क्योंकि वहां पे क्या किया गया था कि सिर्फ और सिर्फ आदमियों को जो है वोट देने का अधिकार दिया था, औरतों को अधिकार नहीं मिला था। तो इसीलिए जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बैठे, उन्होंने सोचा कि हमारा जो देश है उसमें किस तरीके से हम लोगों को राइट देने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि हम यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज देंगे लोगों को, मतलब कि सभी अडल्ट जो हैं, सभी अडल्ट सिटीजन्स, उन्हें अधिकार होगा वोट देने का, चाहे वो औरत हो, आदमी हो, चाहे वो किसी भी कास्ट से आता हो, अमीर हो, गरीब हो, किसी भी रिलीजन से आता हो, सबको वोट देने का अधिकार होगा। दिस मीन्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हैव अ डायरेक्ट रोल इन इलेक्टिंग देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। और जब सबको वोट देने का अधिकार होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने में सभी लोग रोल निभा पाएंगे। ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस। अब ये तो हमने बात की वोट देने की, अब इसी तरीके से कोई भी पर्सन है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, किसी भी सोशल बैकग्राउंड से आता है, वो इलेक्शंस कंटेस्ट कर सकता है, मतलब कि वो इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है, वोट मांग सकता है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू द पीपल। अब जिन लोगों को वोट देके चुना जाता है वो लोग लोगों के प्रति क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, मतलब कि वो जवाबदेह होते हैं कि जो भी काम रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे। मान लो हम सबने वोट देके पीएम को चुना, अब जो भी पीएम होगा उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो जो भी काम कर रहा है उसे एक्सप्लेन करे क्यों कर रहा है, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो लोगों के हित में सोचे, लोगों का जो है भला करे, और जो भी वो काम कर रहा है उसका रीजन लोगों को एक्सप्लेन करे। कल उससे आके कोई पूछे कि भाई आप ये काम क्यों कर रहे हो, तो पीएम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी मर्जी, मैं जो भी करूं, नहीं, उन्हें रीजन देना होगा। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है वो है यूनिवर्सल अडल्ट सफ्रेज। इसका मतलब कि देश का हर एक जो अडल्ट है उसको वोट देने का अधिकार है और वोट लेने का भी अधिकार है कि वो इलेक्शन में खड़ा भी हो सकता है किसी पोजिशन के लिए, चाहे उसका कोई भी बैकग्राउंड हो। सेपरेशन ऑफ पावर्स। सो हम लोग जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्कस कर रहे थे और उसमें हमने दो फीचर्स अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो फीचर था वो था फेडरलिज्म का, जिसमें कि हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया में क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, स्टेट लेवल, यूनियन लेवल एंड लोकल लेवल की गवर्नमेंट हमारे देश में है। फिर हमने बात की पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, जिसमें हमने ये देखा कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो कैसे बनती है, लोगों के द्वारा वोट देके बनाई जाती है, मतलब लोग जो हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट देके चुनते हैं, और यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम है, मतलब कि हमारे देश का कोई भी अडल्ट जो है वो वोट दे सकता है, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, और इसी तरीके से कोई भी पर्सन जो है वो इलेक्शंस में खड़ा भी हो सकता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स हैं, तीन अंग हैं। दीज आर द लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। कौन कौन से तीन ऑर्गन हैं? पहला है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर में क्या होता है, एक तरीके से रूल्स, रेगुलेशंस ये सब बनाए जाते हैं, डिसीजंस लिए जाते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, उन डिसीजंस को, रूल्स को, रेगुलेशन को एग्जीक्यूट किया जाता है, इम्प्लीमेंट किया जाता है कि भाई रूल्स रेगुलेशंस तो बना दिए बट अगर उनको इम्प्लीमेंट ही नहीं करोगे तो फायदा क्या। तो लेजिस्लेचर जो है गवर्नमेंट का जो
लेजिस्लेचर वाला पार्ट है, ऑर्गन है, ये क्या करता है, रूल्स रेगुलेशंस को बनाता है, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करता है, और जुडिशरी की जो है ये वाला ऑर्गन क्या करता है, ये देश में देखता है कि सब कुछ सही तो है, न्याय देने का काम करता है लोगों को, राइट। द लेजिस्लेचर रिफर्स टू आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं वो लोग होते हैं जिन्हें कि हमने वोट देके चुना है, वही लोग क्या करते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि ये विधानसभा ये सब चलता रहता है, उसमें क्या होता है लोग डिस्कस करते हैं, डिबेट्स वगैरह कर रहे होते हैं, इश्यूज को डिस्कस करते हैं, तो उस टाइम पे वो क्या कर रहे होते हैं, किसी मुद्दे को डिस्कस कर रहे होते हैं ताकि उसके लिए कोई रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो है वो बनाए जा सके। तो लेजिस्लेचर में क्या होता है, हमारे द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव जो है वो लोग हैं जो कि इन लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम करते हैं और गवर्नमेंट को चलाते हैं। The judiciary of which you will read more in unit 3 of this book refers to the system of courts in the country. अब judiciary की बात करें तो ये वो system है जो कि courts वाला system है, मतलब जहां पे लोगों को न्याय देने का काम हो रहा है। In order to prevent the misuse of powers by any one branch of the government, constitution says that each of these organs should exercise different powers. अब हमें पता है कि ये सभी जो organs हैं ये बड़े ही powerful हैं। लेजिस्लेचर के पास बहुत अच्छी पावर है रूल्स रेगुलेशंस बनाने की, एग्जीक्यूटिव के पास भी पावर है कि वो उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है, कितने अच्छे से करे कितने बुरे से करे वो एग्जीक्यूटिव के ऊपर डिपेंड करता है, और जुडिशरी जो है इसके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी पावर है कि वो किसी भी पर्सन को गुनहगार ठहरा सकती है और किसी को भी इनोसेंट बना सकती है, राइट। तो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ये जो ऑर्गन्स हैं, ये जो लोग हैं जिन जो कि इन ऑर्गन्स में हैं, जो कि लेजिस्लेचर में है, एग्जीक्यूटिव में है, जुडिशरी में है, ये लोग हो सकता है अपनी इस पावर का गलत इस्तेमाल करें। तो इसी के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या कहता है कि हर एक जो ऑर्गन है उसका अपना काम होगा, उसकी अपनी पावर्स होंगी, मतलब कि कोई किसी के काम में एक तरीके से टांग नहीं अड़ाएगा, तुम्हारी अपनी ड्यूटीज है, तुम्हारी अपनी पावर्स है और तुम्हारी अपनी, मतलब कि ये लोग एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा सकते, सबका अपनी अपनी पावर्स है। Through this, each organ acts as a check on the other organs of government, and this ensures the balance of powers between all three. अब क्या हो रहा है कि सबकी अपनी अपनी powers, अपने अपने काम जो है वो define कर चुके हैं। इसकी वजह से क्या होगा कि एक तो इनमें confusion नहीं होगी कि कौन सा काम किसे करना है, दूसरा एक जो part है, एक जो organ है उसके द्वारा काम किया हुआ दूसरे जो organ है वो उसको check कर सकते हैं कि क्या इसने ये काम सही किया है कि नहीं। अब मान लो कि किसी executive ने कोई गलत तरीके से किसी लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया या कहीं पे लॉ इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो जुडिशरी है वो इसको सजा दे सकती है, वो अपना काम निभा रही है यहाँ पे, वो अपना रोल निभा रही है लोगों को क्या करने का, न्याय देने का। तो इस तरीके से अगर कोई यहाँ पे गलत काम करेगा तो उसको ये सजा देगी, वो इसके काम में टांग नहीं अड़ा रही बट अपना काम अच्छे तरीके से कर रही है कि वो लोगों का ध्यान रख रही है कि वो कहीं पे अन्याय ना हो। इस तरीके से ये जो तीनों ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे को चेक करने का भी काम करते हैं कि इनमें से कोई जो दूसरा ऑर्गन है वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रहा। द वर्ड स्टेट इज ऑफन यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो हम ना बहुत जगह पे स्टेट जो वर्ड है इसका इस्तेमाल करते हैं। दिस डज नॉट रेफर टू द स्टेट गवर्नमेंट। और मैंने आपको बताया भी है पढ़ाते समय कि ये जो वर्ड है स्टेट, इसको हम स्टेट गवर्नमेंट जो होती है कि पंजाब गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं हम। यहाँ पे स्टेट का मतलब क्या है, हम इसको जो वर्ड स्टेट है इसको हम यूज करते हैं गवर्नमेंट से अलग बताने के लिए, क्योंकि मैंने वैसे कभी कभी होता है हम स्टेट और गवर्नमेंट को इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कि यहाँ पे स्टेट ऐसा काम कर रही है, हम क्या देते हैं जी गवर्नमेंट ऐसा काम कर रही है, बट स्टेट और गवर्नमेंट जो है वो दो डिफरेंट चीज, राइट। तो जब हम इस तरीके से स्टेट वर्ड का यूज करते हैं तो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट नहीं बोलना चाह रहे, हम गवर्नमेंट को स्टेट से डिफरेंशिएट करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्ट्रिंग एंड एनफोर्सिंग लॉज। अब गवर्नमेंट का काम क्या होता है कि वो लॉज को बनाए और उन्हें एनफोर्स करे। द गवर्नमेंट कैन चेंज विद द इलेक्शन। अब जो गवर्नमेंट है वो इलेक्शंस के साथ बदल सकती है, जैसे अभी हम प्रेजेंट में देख रहे हैं बीजेपी की गवर्नमेंट है और इससे पहले किसकी थी, कांग्रेस की। तो गवर्नमेंट जो है वो बदलेगी, आएगी और जाएगी, चेंज होती रहेगी। द स्टेट ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दैट रिप्रेजेंट अ सोवरेन पीपल हु ऑक्यूपाई अ डेफिनेट टेरिटरी। अब स्टेट की बात करें तो स्टेट वो सिस्टम है जिसका पार्ट गवर्नमेंट है, ठीक है, मतलब कि एक देश में क्या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, क्या सिस्टम है, किस तरीके से उस देश के लोग रह रहे हैं, राइट। तो स्टेट क्या करता है, किसी देश के जो सॉवरेन लोग हैं उनको
रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि गवर्नमेंट एक तरीके से ऐसी चीज है जो कि आएगी और जाएगी और लोगों से बनी हुई है, कि लोग जो है वो चेंज हो जाएंगे, बट जो स्टेट है वो एक सिस्टम है, ठीक है, कि जो गवर्नमेंट है वो इस सिस्टम में काम कर रही है. सो वी कैन द स्पीक ऑफ इंडियन स्टेट, द नेपाली स्टेट एक्सेट्रा. और इसी तरीके से हम अगर बात करें, स्टेट का इस्तेमाल करें हम इसको एज अ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो हम इसे कह सकते हैं कि इंडियन स्टेट, राइट, कि इंडिया का अपना एक डेफिनेट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, पॉलिटिकल सिस्टम है, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम इंडियन स्टेट बोल सकते हैं. नेपाल के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन को बोलने के लिए हम नेपाली स्टेट बोल सकते हैं, राइट. द इंडियन स्टेट हैज अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. अब हम बात करें इंडिया में कैसा पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है वो चलती है. द गवर्नमेंट और द एग्जीक्यूटिव इज वन पार्ट ऑफ द स्टेट. और जो गवर्नमेंट या फिर एग्जीक्यूटिव है वो स्टेट का पार्ट है, मतलब कि गवर्नमेंट जो है वो स्टेट के अंदर रह के काम कर रही है, उसका पार्ट है वो. द स्टेट रेफर्स टू मोर देन जस्ट द गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी यूज इंटरचेंजेबली विद इट. और हम बोलें तो जो स्टेट है वो गवर्नमेंट से बहुत ज्यादा अलग है और इसको हमें इंटरचेंजेबली इस तरीके से यूज नहीं करना चाहिए. अब आप जैसे आगे पढ़ोगे ना बड़ी क्लासेस में, तो आपको और ज्यादा क्लैरिटी होने लगेगी कि कहीं 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 पे स्टेट जो है वो किस संदर्भ में लिखा हुआ है, किस लिए लिखा हुआ है. तो वो आपको धीरे धीरे जितना आप बुक्स पढ़ोगे उतना क्लैरिटी आती जाएगी. और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 12 जो है वो स्टेट की डेफिनेशन देता है. तो अगर आपको और ज्यादा डिटेल में जानना है तो आप आर्टिकल 12 को पढ़ सकते हो, और अगर आप में से किसी ने पढ़ा है तो आप कमेंट्स में जरूर बताओ. तो है व्हाट इज रिटन, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फियर दैट एग्जीक्यूटिव माइट बिकम टू स्ट्रांग एंड इग्नोर इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लेजिस्लेचर. तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे, तो उन्हें ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जो एग्जीक्यूटिव हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएं, बहुत ज्यादा ताकत उनके पास आ जाए, और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुंह मोड़ के क्या करें, लेजिस्लेचर को ओबे ही ना करें, मतलब कि उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दे. लेजिस्लेचर कौन, जो रूल्स और रेगुलेशन बना रहा है, और एग्जीक्यूटिव कौन, जो कि उन रूल्स रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कर रहा है. द असेंबली देयर फोर इंक्लूडेड अ नंबर ऑफ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू लिमिट एंड कंट्रोल द एक्शन टेकन बाय एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एज अ होल. तो अभी इसी डर के चलते जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसने क्या किया कि बहुत सारे जो है प्रोविजंस लाए, ताकि इस ये जो मिसयूज ऑफ पावर का डर था कि एग्जीक्यूटिव्स कहीं अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल ना कर लें या हद से ज्यादा पावरफुल ना बन जाए, उसकी वजह से बहुत सारे प्रोविजंस जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में डाले गए, ताकि एग्जीक्यूटिव ब्रांच जो है गवर्नमेंट की, अगर वो कोई गलत डिसीजन लेती है, अगर वो लेजिस्लेचर को इग्नोर करती है, तो उसको रोका जा सके. उस चीज के लिए काफी सारे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं. फंडामेंटल राइट्स. सो वी वर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो फार वी हैव डिस्कस्ड थ्री मेन पॉइंट्स. सो फर्स्ट वन वाज फेडरलिज्म, सेकंड वन वाज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एंड द थर्ड वन व्हिच वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो वाज ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, राइट. सो हमने इन पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस कर चुका है, और चौथा जो पॉइंट है वो है फंडामेंटल राइट्स का. तो इसके बारे में तो आपने बहुत ही ज्यादा सुना होगा, जैसे लोग न्यूज वगैरह में भी बोलते रहते हैं कि हमारा फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये राइट देता है, इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी. तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. द सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स हैज ऑफन बीन रेफर्ड टू एज द कंसाइंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो कभी कभी क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स वाला सेक्शन है, इसको क्या बोला जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की एक तरीके से जान है, उसकी सोल है. Colonial rule had created a certain suspicion of the state in the minds of nationalists, and they wanted to ensure that a set of written rights would guard against the misuse of state power in independent India. तो colonial rule की वजह से क्या हुआ कि जो nationalists थे, मतलब जो लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, उनके दिमाग में एक तरीके से state के लिए, here what we are referring to by state, we mean that the political institution. जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन उस टाइम पे था ऑथोरिटेरियन गवर्नमेंट का, तो उससे जो है हमारे नेशनलिस्ट एक तरीके से परेशान हो गए थे, उस पे डाउट आने लगा था कि भाई ये सिस्टम तो बिल्कुल भी सही नहीं है. और नेशनलिस्ट जो है वो ऐसा चाहते थे कि जो आजाद इंडिया होगा वो कुछ ऐसा सिस्टम जो है रखेगा जिसमें कि रिटन राइट्स लोगों के लिखे जाएंगे, ताकि हर चीज को जो है गार्ड किया जा सके किसी भी मिसयूज के खिलाफ, मतलब कि अगर कोई अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल कर रहा है तो उन गलत इस्तेमाल के को जो है रोका जा सके, और लोगों को उस गलत इस्तेमाल से बचाया जा सके. कैसे बचाया जा सके, क्योंकि हमने उन लोगों को
राइट्स दिए हुए हैं कि अगर तुम्हारे साथ कोई गलत इस्तेमाल करेगा पावर का, अगर तुम्हें जो है कोई डराने की कोशिश कर रहा है, धमकाने की कोशिश कर रहा है अपने पावर के दम पे, तो तुम ये एक्शंस जो है ले सकते हो, तुम्हारे साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशन है। फंडामेंटल राइट्स देयरफॉर प्रोटेक्ट सिटीजंस अगेंस्ट द आर्बिट्री एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ द पावर बाय द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, वो स्टेट की जो आर्बिट्रेरी और एब्सोल्यूट एक्सरसाइज है पावर का। आर्बिट्रेरी मतलब कि कोई चीज जो कि आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, मन मर्जियां चला रहे हो, किसी की भी नहीं सुन रहे। तो इस तरीके से अगर स्टेट मतलब कि जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर वो ऐसा बन जाता है जहां पे पावर अपनी मर्जी से जो है यूज की जा रही है, उसमें लोगों का जो भला है वो नहीं देखा जा रहा, अगर इस तरीके से पावर का इस्तेमाल किया जाता है, तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो उससे बचाते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट अदर इंडिविजुअल्स। तो हम बात करें, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें राइट्स प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, जो स्टेट है मतलब कि एक तरीके से जो गवर्नमेंट है। वैसे यहाँ पे मैं गवर्नमेंट और स्टेट को इंटरचेंजेबली यूज कर रही हूँ, बट स्टिल जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो और लोग एक दूसरे से किस तरीके से बच सके उसकी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी देता है। कैसे देता है, क्योंकि उसने हमें काफी सारे राइट्स दे रखे हैं जिनको यूज करके हम अपने आप को इन मिसयूज ऑफ पावर से बचा सकते हैं। मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट दैट वुड प्रोटेक्ट देयर ग्रुप्स। अब बहुत सारी ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं जिनके साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, जिनको कि आगे बढ़ने नहीं दिया जाता, तो ऐसी माइनॉरिटी कम्युनिटीज को भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो राइट्स प्रोवाइड करता है ताकि उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जा सके। द कॉन्स्टिट्यूशन देयर फोर ऑल्सो गारंटीज द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी अगेंस्ट द मेजोरिटी। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो माइनॉरिटीज को राइट प्रोवाइड करता है किसके अगेंस्ट, मेजोरिटी की। कि अगर मेजोरिटी जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगी, मेजोरिटी माइनॉरिटीज को डिस्क्रिमिनेट करेगी, उनको एक तरीके से एक्सप्लॉइट करेगी, तो माइनॉरिटीज जो है वो आवाज उठा सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का जो है हवाला देके न्याय पा सकते हैं। एज डॉक्टर अम्बेडकर हैज सेड अबाउट दीज फंडामेंटल राइट्स, देयर ऑब्जेक्ट इज टू फोल्ड। तो जैसा कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं इनके एक तरीके से दो मायने हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन अ पोजिशन टू क्लेम दोज राइट। तो पहला जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है इन फंडामेंटल राइट्स का, वो ये है कि हर एक जो इंडिविजुअल है, हर एक जो सिटीजन है, इस देश का नागरिक है, वो इस पोजीशन में हो कि वो इन राइट्स को क्लेम कर सके। कि तुमने लोगों को राइट तो दे दिए, बट उन राइट्स का क्या फायदा कि जब वो उन राइट्स को क्लेम ही नहीं कर सकते, इन राइट्स के बेसिस पे वो न्याय पा ही नहीं सकते, तो उस चीज का को तो कोई फायदा ही नहीं हुआ। मतलब कि लोग इस पोजीशन में होनी चाहिए कि वो अपने इन राइट्स को इस्तेमाल करके न्याय पा सकें। एंड सेकेंडली दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी दैट हैज गॉट द पावर टू मेक लॉज। और ये जो राइट्स हैं वो उन सभी अथॉरिटीज के ऊपर लागू होंगे जिन्हें की लॉज बनाने की पावर मिली है। इन एडिशन टू फंडामेंटल राइट्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज सेक्शन कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट वाला सेक्शन है जो कि हमारे देश के लोगों को कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है, जिनको यूज करके हमारे देश के लोग जो है किसी भी मिसयूज ऑफ पावर से, किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन से, इस तरीके से वो अपने आप को बचा सकते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी देता है। द सेक्शन वॉज डिजाइन बाय द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू इंश्योर ग्रेटर सोशल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड टू सर्व एज अ गाइड टू द इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट टू इंस्टीट्यूट लॉज एंड पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पॉवर्टी ऑफ द मासेस। अब ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है क्या? तो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, उन्होंने ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसलिए लाए हैं ताकि ये एक गाइड की तरह काम कर सकें कि आजाद भारत में जो गवर्नमेंट आने वाली है वो इन रूल्स को फॉलो करें, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करें, ताकि लोगों का और अच्छे तरीके से भला किया जा सके, ताकि जो लॉज बनाए जा रहे हैं, जो पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, वो और बेटर तरीके से लोगों के हित में हो, और जो मासेस जो हैं गरीबी से गुजर रही हैं, जो जनता जो है गरीब है, उसको भी इरेडिकेट करने के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखता है। द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स। तो हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हैं, बट आखिरकार ये फंडामेंटल राइट्स हैं क्या क्या, कौन कौन से ऐसे राइट्स हैं जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। तो पहला है राइट टू इक्वालिटी। तो ऑल द पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। हमने ये तो पढ़ा ही हुआ है कि हमारा जो लॉ है वो हर पर्सन को इक्वली ट्रीट करता है, कि
लॉ के सामने कानून के सामने सब एक समान है। लॉ जो है वो किसी गुनाह के लिए सेम सजा देगा, चाहे वो कोई अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो। अगर तुमने गुनाह एक किया है तो सजा भी तुम्हें एक ही मिलेगी। दिस मीन्स दैट ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री। और अगर जो है लॉ ये कहता है कि राइट टू इक्वालिटी है, सभी लोग एक समान है, तो इसका मतलब सभी लोगों को इक्वली राइट है कि वो जो है प्रोटेक्टेड रहे कंपनी कंट्री के लॉज के द्वारा। मतलब कंट्री में जो भी लॉज बन रहे हैं वो सभी लोगों को एक समान रूप से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। इट ऑल्सो स्टेट्स दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और सेक्स। और जो राइट टू इक्वालिटी है वो ये भी कहता है कि किसी को भी हमें डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए किसी भी बेसिस पे, चाहे रिलीजन हो, कास्ट हो, जेंडर हो, रेस हो, किसी भी बेसिस पे आप लोगों को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हमें सबको एक समान ट्रीट करना है। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड्स, होटल्स, शॉप्स एटसेट्रा। साथ ही साथ राइट टू इक्वालिटी का मतलब ये भी है कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उन सभी की एक्सेस सभी को है। मतलब कि आप किसी, जैसे पब्लिक पार्क है आपके कॉलोनी वगैरह में, अब आप किसी पर्सन पे ऐसे रोक नहीं लगा सकते कि नहीं इस पार्क में सिर्फ हम ही जाएंगे, आप लोगों को इसमें जाने का अधिकार नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत होगा। तो जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं, चाहे वो कोई होटल्स हैं या प्लेग्राउंड्स हैं, कोई भी ऐसे प्लेसेस हैं, तो उन सभी जगहों पे सभी लोगों को जाने का अधिकार है। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन मैटर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और साथ ही साथ जो स्टेट है वो किसी के साथ किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे। ये मतलब कि हम सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलर जो कैटेगरी के लोग हैं, पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ उन्हें ही जॉब देंगे, बाकियों को नहीं देंगे, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती गवर्नमेंट। देयर आर एक्सेप्शंस टू दिस दैट यू विल रीड अबाउट लेटर इन दिस बुक। बट ये जो हम बात कर रहे हैं कि किसी के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन वगैरह नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे या इस तरीके से, तो इस चीज़ के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जिनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, राइट? कि कहीं कहीं पे हो सकता है कि हम कुछ कम्युनिटीज को बढ़ावा देने के लिए उनको थोड़ा सा पुश कर दें, उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे दें, राइट? द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज आल्सो बीन अबॉलिश्ड। और जो प्रैक्टिस है अनटचेबिलिटी की, मतलब कि जब कुछ सो कॉल्ड अपर कास्ट के लोग क्या कहते हैं कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं अगर वो उन्हें छुएंगे तो वो अपर कास्ट वाले लोग जो है वो पॉल्यूटेड हो जाएंगे, गंदे हो जाएंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं हम तुम्हें छुएंगे नहीं। तो इस तरीके से जो अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस चल रही थी उसे भी कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, अबॉलिश कर दिया, ताकि जो इक्वालिटी है उसे प्रमोट किया जा सके। राइट टू फ्रीडम, तो दूसरा जो फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम। दिस इंक्लूड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, द राइट टू मूव फ्रीली एंड रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, एंड द राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और बिजनेस। अब राइट टू फ्रीडम का मतलब क्या है? आपको आजादी मिली हुई है, आपको आजादी का अधिकार है, मतलब कि आप जो है अपने जो थॉट्स हैं उन्हें एक्सप्रेस कर सकते हो, आप मन के विचार लोगों के आगे रख सकते हो, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो, और आप एसोसिएशंस बना सकते हो, जैसे गुट वगैरह बनाते हैं लोग, ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं, इस तरीके से आप एसोसिएशंस बना सकते हो। आप कंट्री में कहीं पे भी आज़ादी से घूम सकते हो, कहीं पे भी रह सकते हो, कंट्री के किसी भी कोने में कोई भी प्रोफेशन आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई भी काम, ऑक्यूपेशन या बिजनेस जो है आप चला सकते हो। हाँ, इसके भी आगे कुछ एक्सेप्शंस होंगे। अब आप अगर किसी ऐसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हो जो कि इलीगल है, तो तब तो आपके ऊपर जो है पनिशमेंट होगी, आपको मिलेगी, तो वो चीज़ें अलग हैं। बट हाँ, वैसे अगर आप सब कुछ लीगल कर रहे हो तो आप कोई भी जो बिजनेस है वो कर सकते हो। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज। अब बहुत सारे लोगों के साथ ना एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनके ऊपर जो प्रताड़नाएं हैं वो उन्हें झेलनी पड़ती हैं, लोग बहुत ज़्यादा अत्याचार करते हैं कुछ लोगों के ऊपर, तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए, ऐसे एक्सप्लॉयटेशन से लोगों को बचाने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो राइट प्रोवाइड करता है कि तुम्हें जो है अपने आप को इन सभी चीज़ों के खिलाफ बचाने का अधिकार है। कि जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, लोग जो हैं कुछ लोग जो हैं वो दूसरे लोगों को किडनैप करके उन्हें एक जगह से दूसरी जगह बेच देते हैं, ज़बरदस्ती लेबर कराया जाता है, मतलब कि लोगों से काम कराया जाता है, और साथ ही साथ जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे जो काम कराया जाता है उसके ऊपर भी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रोक लगाता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, चौथा जो राइट फंडामेंटल राइट है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। मतलब आप अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन जो है वो फॉलो कर सकते हो। एवरी पर्सन हैज द राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट द रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। कि हर एक पर्सन को जो है उसकी मर्जी का रिलीजन
प्रोपगेट कर सकता है वो उसको, मतलब कि लोगों में फैला सकता है, उसको फॉलो कर सकता है और उसको प्रोफेस कर सकता है अपनी मर्जी से। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, पांचवा जो फंडामेंटल राइट है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। तो इसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट ऑल माइनॉरिटीज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक कैन सेट अप देयर ओन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इन ऑर्डर टू प्रिजर्व एंड डेवलप देयर ओन कल्चर। तो हमारे देश में अलग अलग कल्चर्स हैं और सभी जो कल्चर हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और हमें भी ज़रूरी होता है कभी कभी कि हम किसी पर्टिकुलर कल्चर को कंजर्व करें, कि अगर हम उसे नहीं बचाएंगे तो वो लुप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अलग अलग जो माइनॉरिटीज हैं, चाहे वो लिंग्विस्टिक हो, चाहे वो रिलीजियस हो, मतलब कि धर्म के मामले में अगर कोई संख्या में कम है, माइनॉरिटी मतलब जिन लोगों की संख्या जो है वो कंपैरेटिवली दूसरे लोगों से कम है, राइट। तो चाहे रिलीजियस में लोगों की जो है माइनॉरिटी हो, चाहे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, इस तरीके से ये लोग जो हैं ये अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं ताकि उनका खुद का कल्चर जो है वो चलता रहे। जैसे आपने मुस्लिम्स का सुना होगा, उनके मदरसे चलते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि उनके जो मुस्लिम की जो एजुकेशन है वो बच्चों को प्रोवाइड करी जाती है। तो इस तरीके से क्यों अलाउ किया गया है, हम गुरुकुल्स देखते हैं कि गुरुकुल्स में बच्चों को पढ़ाया जाता है आज भी, कि बच्चे जो हैं पुराने तरीके से जैसे उन्हें एजुकेशन मिलती थी वैसे आज भी बच्चों को दी जाती है गुरुकुल्स वगैरह में। तो इससे क्या है कि इससे क्या होगा कि जो हमारा कल्चर है वो बना रहेगा, वो प्रिजर्व रहेगा। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, तो ये वाला जो राइट है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट दिया गया है, कि मतलब अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स, ऊपर दिए हुए पांच फंडामेंटल राइट्स को अगर कोई उसका हनन करता है, अगर उसको आपको फॉलो करने से रोकता है, तो आप रेमेडी जो है वो क्लेम कर सकते हो, कि मतलब आप कोर्ट्स वगैरह में जा सकते हो कि आपके साथ ऐसा गलत हो रहा है और आप उसका न्याय पाने की कोशिश कर सकते हो। दिस अलाउ सिटीजन्स टू मूव द कोर्ट इफ दे बिलीव दे दैट एनी ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड बाय द स्टेट। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का मतलब क्या है कि अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि स्टेट के द्वारा उसका फंडामेंटल राइट जो है उसको वायलेट किया गया है, उसको मतलब कि फॉलो करने से मना किया गया है, रोक लगाई है, तो उससे क्या होगा कि जो पर्सन है जिसके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जा रहा है वो कोर्ट में जा सकता है और अपील कर सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स को इस तरीके से वायलेट किया जा रहा है। तो ये हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आखिर कौन कौन से हैं। तो ये छह जो हैं वो फंडामेंटल राइट्स हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है और साथ ही साथ हमारे लाइफ के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वी वर डिस्कसिंग इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें हमने चार मेन जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं वो डिस्कस कर चुके हैं। पहला जो था वो था फेडरलिज्म का। फेडरलिज्म मतलब कि ये कैसा सिस्टम है जिसमें किसी भी कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो उसके डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जैसे कि इंडिया क्या है, वो एक फेडरल स्टेट है, मतलब कि यहाँ फेडरलिज्म है। तो इंडिया में क्या है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। पहला जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो है सेंट्रल या फिर यूनियन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सेकेंड है स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और तीसरा है लोकल लेवल ऑफ गवर्नमेंट। तो दूसरा जो हमारा फीचर था वो था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कि हमारे देश में जो रूलर्स हैं वो कौन होते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, मतलब कि हमारे देश में जो लोग एक तरीके से रूल कर रहे हैं वो एक्चुअली रूलर्स नहीं है, वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो देश के नागरिकों के बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे हैं। अब वो रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे बने, उन्हें पावर कैसे मिली हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेने की, वो इलेक्शंस के थ्रू मिली। तो जो भी सिटीजन हैं, जो जितने भी अडल्ट्स हैं, वो क्या कर सकते हैं, वो वोट दे सकते हैं ताकि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन सकें। तो ये जो हमारे पास राइट है वोट देने का, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। कि मतलब हमारे देश में क्या है, जो भी पर्सन 18 या 18 साल से ऊपर की उम्र का है वो वोट देने के लिए एलिजिबल है, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए वोट दे सकता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमारे यहाँ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर था वो था सेपरेशन ऑफ पावर्स का, कि हमारे जो गवर्नमेंट के अलग अलग बॉडीज हैं, लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव और जो जुडिशरी है, ये तीनों बॉडीज जो हैं इनकी पावर्स अपने अपनी दायरे में इनको डिफाइन किया हुआ है, सबकी पावर्स डिवाइडेड हैं, सेपरेट हैं। तो जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनका क्या काम होता है, उनका काम होता है कि वो रूल्स रेगुलेशंस बनाएं। एग्जीक्यूटिव जो बॉडी है उसका क्या काम है कि जो भी लॉज लेजिस्लेचर ने बनाए हैं उसको एग्जीक्यूट करे, उसको इम्प्लीमेंट करे, लागू करे। और जुडिशरी का क्या काम होता है, वो ये देखे कि बाकी जो दो बॉडीज हैं लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव,
उन्होंने अपना काम कानून के दायरे में रह के किया है या नहीं, और वैसे किसी नागरिक को अगर उसके साथ कुछ अन्याय हुआ है तो उसको न्याय दिलाने का काम जुडिशरी करता है। तो इस तरीके से इनकी अपनी अपनी पावर्स, इनके इनके अपने अपने काम जो है वो डिफाइन किए हुए हैं। चौथा जो हमारा इंपॉर्टेंट फीचर था वो था फंडामेंटल राइट्स का, मतलब हमारे हमें ये पता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें सेफगार्ड प्रोवाइड करता है अगर कोई जो पर्सन है वो मिसयूज ऑफ पावर कर रहा है या फिर कोई डिस्क्रिमिनेशन वगैरह कर रहा है, किसी भी पर्सन के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसके खिलाफ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सेफगार्ड प्रोवाइड करता है। अब वो कैसे सेफ्टी देता है? वो देता है हमें कुछ राइट्स देके। वो राइट्स कौन से हैं? फंडामेंटल राइट्स। तो ये राइट्स को यूज करके हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, किसी भी ऐसे मिसयूज ऑफ पावर से, डिस्क्रिमिनेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं वो हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और अब हम जो इम्पोर्टेंट फीचर डिस्कस करने वाले हैं वो है सेक्युलरिज्म का। तो सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है कि सभी धर्मों को समान रूप से रिस्पेक्ट करना, इक्वली रिस्पेक्ट करना। तो अगर हम कहते हैं हमारा देश सेक्युलर है तो उसका मतलब क्या हुआ? अ सेक्युलर स्टेट इज वन इन विच द स्टेट डज नॉट ऑफिशियली प्रमोट एनी वन रिलीजन एज द स्टेट रिलीजन। तो एक देश जो है वो सेक्युलर देश तब कहलाता है जब वो जो देश है वो किसी पर्टिकुलर रिलीजन को, धर्म को ऑफिशियली प्रमोट नहीं करता। इसको समझने के लिए हम पाकिस्तान का एग्जांपल लेंगे। देखो पाकिस्तान जो है वो क्या कहता है कि वो एक इस्लामिक स्टेट है, मतलब कि सबसे ऊपर वो इस्लाम धर्म को रखता है और जो भी इस्लाम धर्म के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं उनको वो फॉलो करता है। तो वहां पे क्या होता है, शरिया लॉ जो है वो फॉलो किया जाता है, जो उनका शरिया लॉ कहता है वो उसे सबसे ऊपर मानते हैं, और बाकी जो धर्म है, दूसरे धर्म हो गए इस्लाम धर्म को छोड़ के, तो दूसरे धर्मों को वहां पे कम समझा जाता है, नीचे समझा जाता है। वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। क्या आपने कभी सुना है कि इंडिया को ऐसा कहते हुए कि इंडिया एक इस्लामिक स्टेट है या हिंदू स्टेट है? ऐसा कभी नहीं कहा जाता। ये कहा जाता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, मतलब कि इंडिया हर एक धर्म को इक्वली रिस्पेक्ट करता है। किसी पर्टिकुलर धर्म के पर्सन के पास जो भी राइट्स हैं वो दूसरे धर्म के पर्सन के पास भी होंगे, राइट? So you now understand the ways in which a country's history often determines the kind of constitution that a country adopts for itself. So इतना कुछ हमने पढ़ा, हमने different different examples पढ़े, हमने नेपाल का example पढ़ा, हमने ये देखा कि किस तरीके से हमारी जो constituent assembly है उसने इंडिया की social, economical, political सारी situation को ध्यान में रखते हुए rules और regulations बनाए, और इन सबसे पढ़ के हमें ये समझ आया कि किसी भी country की जो history है वो उसके constitution को बनाने में बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने बैठी तो उसने ये देखा कि ब्रिटिशर्स जो है वो हम पे रूल करके गए थे, मतलब कि उस टाइम पे हमारे ऊपर ऑटोक्रेसी वाला रूल जो है चल रहा था, उस टाइम पे इंडिया में ऑटोक्रेटिक सिस्टम था। और जब जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने आजाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना स्टार्ट किया तो उन्होंने दिमाग में पहले ही सोच लिया था कि अब ऑटोक्रेसी जो है वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं होगी, तो नया जो इंडिया होगा वो डेमोक्रेटिक इंडिया होगा। तो इंडिया की जो हिस्ट्री है कि इंडिया पे ब्रिटिशर्स ने रूल किया था, कि इंडिया पे एक टाइम पे ऑटोक्रेटिक सिस्टम जो है वो चल रहा था, उस चीज ने अफेक्ट किया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, इंडिपेंडेंट इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को, कि हमें समझ आ गया कि हमें ऑटोक्रेसी नहीं चाहिए, तो हमारा जो देश का कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो कैसा रहेगा, वो डेमोक्रेसी वाला सिस्टम रहेगा। तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है। So the constitution plays a crucial role in laying out the ideals that we would like all citizens of the country to adhere to, including representatives that we elect to rule us. So हमारा constitution क्या करता है, उन सिद्धांतों को establish करता है, उन ideals को establish करता है जो कि हम चाहते हैं कि देश का हर एक नागरिक, हर एक मतलब वो लोग भी जिन्हें कि हमने वोट देके चुना है, representatives भी, वो भी उन rules को, regulations को follow करें, उन ideals को follow करें, तो वो हमारा जो constitution है वो बताता है। Just like in the game of football, a change in the constitutive rule will affect the game. हमने फुटबॉल जो गेम है उसका एग्जाम्पल लिया था कि किस तरीके से गेम में, किसी भी गेम में अगर उसके रूल को बदला जाता है तो पूरे गेम में ही चेंजेस आ जाते हैं, और अगर हम कोई बहुत बड़ा चेंज ला दें तो हो सकता है पूरा का पूरा गेम ही बदल जाए, कोई और नया गेम ही बन जाए, राइट? इसी तरीके से क्या होता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कभी कभी चेंजेस लाए गए हैं। क्यों लाए गए हैं? हमारे देश में या किसी भी सोसाइटी में टाइम टू टाइम चेंजेस तो आएंगे ही आएंगे, टाइम के साथ चेंजेस आना जो है वो बहुत ही ऑब्वियस है। तो उन चेंजेस को रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए जाते हैं। देश की पॉलिटी में, इकोनॉमी में, सोसाइटी में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उन्हें रिफ्लेक्ट करने के लिए देश के कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंजेस किए जाते हैं।
बट कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़ा चेंज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हो सकता है कि देश का फंडामेंटल नेचर ही चेंज हो जाए। जैसे कि हमने नेपाल के एग्जाम्पल में पढ़ा था कि किस तरीके से जब नेपाल में ऑटोक्रेसी से डेमोक्रेसी आई तो उन्हें नया कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि देश के जो फंडामेंटल नेचर है वो ही चेंज हो गया। पहले वहां पे राजा जो है वो रूल करता था, बट डेमोक्रेसी आने के कारण क्या हुआ, वहां पे लोगों का रूल आ गया, मतलब लोगों की पावर जो है वो सबसे ऊपर रखी गई। उस वजह से क्या हुआ, क्योंकि जो नेचर है, फंडामेंटल नेचर है कंट्री का, वो ही चेंज हो गया, तो उसकी वजह से उन्हें एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाने की जरूरत पड़ी ताकि कंट्री में जो चेंजेस आए उन्हें रिफ्लेक्ट किया जा सके। द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड अबव इन्वॉल्व कॉम्प्लिकेटेड आइडियाज दैट आर ऑफन नॉट इजी टू ग्रास्प। अब हमने बहुत सारे फीचर्स पढ़े अभी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो जरूरी नहीं है कि जो इंडियन जितने भी आपने फीचर्स पढ़े वो आपको एकदम डिटेल में ही अभी समझ आए हों। मैंने ऊपर ऊपर से समझाया, जितना अभी आपके लिए जरूरी था वो इस बुक में बताया हुआ है, तो हो सकता है आपको थोड़ी बहुत चीजें जो है उसमें अच्छे से ना समझ आई हो। तो वैसे अगर नहीं समझ आया तो आप वापस से वीडियो को भी देख सकते हो एक बार, ताकि और अच्छे से समझ आ जाए। बट फिर भी आपको इतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको एकदम ही समझ नहीं आया, क्योंकि आने वाले चैप्टर्स में आप इन फीचर्स को और ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे, आने वाली जो हायर क्लासेस हैं उनमें आप अच्छे से इन फीचर्स को पढ़ोगे, राइट। तो अब आप इन पिक्चर्स को देख सकते हो। इन पिक्चर्स में क्या है, आप देख सकते हो कि कुछ लोग जो है वो कहीं साइन कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो अब फोटोज हैं वो क्या करती हैं, दे शो वेरियस मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइनिंग अ कॉपी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट इट्स फाइनल सेशन ऑन 24 जनवरी 1950। तो 24 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो फाइनल सेशन हुआ था उसमें क्या किया इन लोगों ने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पे साइन किया है ना। तो उसी टाइम की फोटोज आपको यहाँ पे दिख रही हैं। तो ऊपर सबसे पहली फोटो में आप देख सकते हो, ये हमारे उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, तो ये साइन कर रहे हैं। फिर यहाँ पे जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं वो साइन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को। राजेंद्र प्रसाद जी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट थे, राइट, और वो बाद में इंडिया के प्रेसिडेंट भी बने। और यहाँ पे आप बहुत सारे लोगों को साइन करते हुए देख सकते हो, इनको आप राइट टू लेफ्ट के मैनर में देख सकते हो कि श्री जयराम दास दौलत राम जो है फर्स्ट में वो है, और इसी तरीके से आप इनके नाम जो है और पढ़ सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं जो वो कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी को साइन कर रहे हैं। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी पे साइन किया जब वो बनके तैयार हो गई थी। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर चैप्टर नंबर 1 ऑफ क्लास 8 सिविक्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू देन प्लीज गिव इट अ थम्स अप, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन बाय बाय।